अपने सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, उसकी वर्दी। जब जब जिसके लगने हैं तब तब उसके लगते हैं। अब उसे इत्तेफाक कहो या फिर व्हाट द फक। कर लेनी चाहिए वैसे। प्लान तो वही है। और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। ये 71 का पाकिस्तान है। आज हमारे पास इतना बारूद है कि हम गंगा और जमुना दोनों को पाट दें, उसके बाद भी दिल्ली को उड़ाने के लिए हमारे पास 10 ट्रक बारूद बच जाएगा। सूत्रों के मुताबिक युद्ध होने की परिस्थिति में इंडिया पाकिस्तान का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये जंग है, मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। अगर मैं अपने देश अपने भाइयों के लिए अब नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बन के रह जाऊंगा। सर आई प्रॉमिस यू, आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मैं अपने हर एक सिपाही को जिंदा सही सलामत वापस लाऊंगा। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, आर्मी ही मेरी लाइफ है। फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। अगर मैं अपने देश अपने भाइयों के लिए अब नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बन के रह जाऊंगा। सर आई प्रॉमिस यू, आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मैं अपने हर एक सिपाही को जिंदा सही सलामत वापस लाऊंगा। उरी हमले का हैंडलर कौन था? There will be no more withdrawals. Sam is here. कितनी पॉजिटिव वाइब्स है इस घर में। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। यस यू ऋषि? सॉरी कौन है? तो हुआ क्या अंकल? उस रात एक्सीडेंट में मुझे काफी चोट लगी। मैंने विक्रम के साथ शराब अपनी मर्जी से नहीं पी। उस रात वहां पर कोई और भी था। सोल्जर्स की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना। सन 1942 के दौरान वर्मा के मोर्चे पर एक भारतीय सिपाही को एक जापानी सिपाही ने अपनी मशीन गन से 7 गोलियां मारी। गोलियां भारतीय जवान की आंतों, जिगर और गुर्दों में उतर गईं। जवान गिर पड़ा, उसे मृत समझ लिया गया, किंतु उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो जवान इतने गंभीर रूप से घायल हो चुका था कि उसके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उसके सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि उसके मरने के बाद उसे मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जा सकता था। वो जवान इस तरह से घायल हो चुका था कि उसे उसी हालात में छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। उसे साथ लेकर पीछे हटने पर बटालियन की गति धीमी पड़ जाती, लेकिन यह बात उस जवान के अर्दली को मंजूर नहीं थी। उसने जवान को कंधे पर उठा लिया और पीछे चल पड़ा। इस जवान की हालत को देखकर सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्हें इसका इलाज करना समय की बर्बादी लग रहा था। इतने में वो अर्दली को जवान का घायल शरीर उठाकर वहाँ
तक लाया था, ने अपनी राइफल तान कर डॉक्टर से कहा, हम अपने अफसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठा कर लाए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि वह हमारे सामने इसलिए मर जाए क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया। आप उनका इलाज करिए, नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। डॉक्टर का मन अब भी नहीं मान रहा था, मगर सामने एक जुनूनी इंसान उस पर राइफल ताने खड़ा था, इसलिए अनमने मन से उसने जवान के शरीर में धंसी हुई गोलियां निकाली और उसकी आंत का क्षतिग्रस्त हिस्सा काट कर हटा दिया। इतना करने के बाद भी डॉक्टर को जरा से उम्मीद नहीं थी कि वह जवान बचेगा, लेकिन उस जवान को अभी मरना नहीं था। यही कारण था कि वो आश्चर्यजनक रूप से बच गया। स्थिति थोड़ी समान होते ही उस जवान को पहले मांडले ले जाया गया, फिर रंगून और फिर वापस भारत लाया गया। 7 गोलियां खाने के बाद भी जीने की जिद पर अड़ा हुआ यह जवान था लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्सा। वही सैम मनेक्सा जिन्हें 1971 में इंडो पाक युद्ध का हीरो कहा जाता है, और उनका अर्दली जो उन्हें बचा के लाया था उसका नाम सूबेदार शेर था। अगर उस दिन शेर सिंह ने हिम्मत और लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्सा के प्रति अपना समर्पण न दिखाया होता तो शायद हमें एक ऐसा सैनिक अफसर न मिलता जो दुश्मनों या हुक्मरानों के सामने सही बात बोलते हुए जरा से भी हिचक महसूस नहीं होने देता था। 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सैम मनेक्सा का पूरा नाम सैम हेमोर सजी फ्रेम सी चश्मेद सी मनेक्सा, लेकिन उनका पूरा नाम शायद ही किसी को याद हो। उनके साथ अफसर हो या उनके परिवार वाले, यहाँ तक कि उनके अभिभावक तक उन्हें सैम या सैम बहादुर ही कहकर पुकारते थे। सैम मनेक्सा ने करीब 4 दशक फौज में गुजारे और इस दौरान 5 युद्ध में हिस्सा लिया। फौजी के रूप में उन्हें अपनी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया आर्मी से की थी। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। 1971 की जंग में उनकी बड़ी भूमिका रही। इस जंग में भारतीय फौज की जीत का खाका भी खुद मनेक्सा ने ही खींचा था। 1972 में चीन के युद्ध हारने के बाद सैम को बिजी कौल के स्थान पर 4th कोर की कमान सौंपी गई। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, यह आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। अनुशासन या सैनिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच संबंधों की बात आने पर सैम कोई समझौता नहीं करते थे। सैम अपनी यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर बड़ी समझौता नहीं करते थे। सैम अपने यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर कभी समझौता नहीं करते थे, भले ही सामने कोई बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना बैठा हो, वो अपनी बात कहने में कभी नहीं डरते थे। एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी, रक्षा सचिव हरीश सरीन भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ बैठे कर्नल से कहा, यू देयर ओपन द विंडो। वह कर्नल उठने लगा, तभी सैम ने कमरे में प्रवेश किया, रक्षा सचिव की तरफ से मुड़े और बोले, सचिव महोदय, आइंदा से आप मेरे किसी भी अफसर से इस टोन की बात नहीं करेंगे, यह अफसर कर्नल है, यू देयर नहीं। उस जमाने की बहुत शक्तिशाली ICS अफसर हरीश सरीन को उनसे माफी मांगनी पड़ी। अपनी बात को लेकर सैम कभी पीछे नहीं हटे, भले ही सामने कोई भी हो। 1971 की लड़ाई की है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वह मार्च में ही पाकिस्तान पर हमला कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनके कारण यही था कि उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि भारतीय सेना अभी हमले के लिए तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुई। मनेकसा ने पूछा कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं, उन्होंने कहा हाँ। इस पर मनेकसा ने कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीत आपकी होगी। सैम के लिए इससे गर्व की बात यह नहीं थी कि भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। उनके लिए सबसे बड़ा क्षण तब था जब युद्ध बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिक ने स्वीकार किया कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। ऐसे देश ऐसे वीर सपूत के बारे में आने वाली नस्लों को बताया जाना बेहद जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनके कारण आज भारत विश्व में शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा है। हमें इनकी स्मृतियों और बहादुरी के किस्सों को अनमोल विरासत की तरह सहेजने की आवश्यकता है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर का टीजर रिलीज हो गया था। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इसका टीजर आते ही दर्शकों में उत्साह भर गया है। फिल्म के टीजर में विकी कौशल के दमदार अभिनय की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यह फिल्म धमाल मचा सकती है। सैम बहादुर में भी विकी कौशल भारतीय सेना की वर्दी पहने टीजर में नजर आ रहे हैं। फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल
सैम मनेकसा का किरदार निभाते दिखेंगे। ये फिल्म भी रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है। टीजर में विकी कौशल दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। टीजर में फातिमा सना शेख पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अवतार में नजर आ रही हैं। सैम बहादुर के टीजर की खास बात यह है कि इसमें देशभक्ति से भरपूर एक से एक डायलॉग मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर फैंस सैम बहादुर के इस टीजर का काफ़ी पसंद किया जा रहा है। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकसा के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकसा ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें कि सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं। उनकी पत्नी के किरदार में सन्या मल्होत्रा नजर आ रही हैं। वही फातिमा सना शेख इंदिरा गांधी के किरदार में हैं। फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। टीजर में विकी के अलावा फातिमा सना शेख दमदार अवतार में दिखी हैं। वही सन्या मल्होत्रा की सिर्फ एक झलक देखने को पाएंगे। टीजर सामने आने के बाद अब हर कोई विकी कौशल की सैम बहादुर की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गौर करें इस मूवी की रिलीज डेट की तरफ को 1 दिसंबर 2023 को डायरेक्टर मेघना गुलजार की यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मालूम हो कि विकी कौशल की सैम बहादुर का बॉक्स ऑफिस क्लैश रणबीर कपूर स्टारर एनिमल से होगा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जोश भरने वाले विकी कौशल जल्द ही एक बार फिर पर्दे पर आर्मी यूनिफॉर्म पहने नजर आएंगे। अभिनेता मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म सैम बहादुर से दर्शकों के दिलों में फिर एक बार वही जोश भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म की रिलीज डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे इसको लेकर नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विकी कौशल ने फिल्म की शूटिंग आर्मी के असली जवानों के साथ की है। साल 1971 के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकसा का किरदार निभाते नजर आए थे। जिस दिन से फिल्म का ऐलान हुआ था उसी दिन से दर्शक इसका इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को लेकर आज कुछ ऐसा सामने आया है जो सभी में फिल्म का बज बढ़ा देगा। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में विकी कौशल ने शूटिंग जूनियर आर्टिस्ट के साथ नहीं बल्कि डिफेंस फोर्स में काम करने वाले और रक्षा बल के लोगों के साथ की है। रिपोर्ट में इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया गया है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मेघना फिल्म की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना चाहती थी और बायोपिक में चीज़ों को प्रमाणिक रखना चाहती थी। वह किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। सैम बहादुर की बात करें तो फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकसा का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकसा के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकसा ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विकी कौशल के साथ संजय मल्होत्रा और फातिमा सना शेख मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा में थी। फैंस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं दर्शकों के एक्साइटमेंट को दोगुना करने के लिए मेकर्स ने फिल्म का टीजर जारी कर दिया था। 1 मिनट 26 सेकंड का यह टीजर बेहद दमदार नजर आ रहा है। एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इस डायलॉग के साथ शुरू होता है सैम बहादुर का दमदार टीजर। टीजर में फिल्म के हीरो विकी कौशल दमदार अभिनय में नजर आ रहे हैं। विकी कौशल एक इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल के किरदार में खूब जज रहे हैं। टीजर में सैम बहादुर की दमदार डायलॉग डिलीवरी से लेकर शानदार अभिनय तक सभी काबिले तारीफ है। वही टीजर में फातिमा सना शेख की भी छोटी सी झलक देखने को मिली, जो फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल अदा कर रही हैं। वही सन्या मल्होत्रा ने भी अच्छा काम किया है। बता दें कि बीते दिन फिल्म के नए पोस्टर के साथ विकी कौशल ने फिल्म के टीजर की घोषणा की थी, तभी से फिल्म के टीजर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सैम बहादुर की कहानी साल 1971 के दौरान हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की है। इस जंग के दौरान भारत के पहले फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ सैम मनेकसा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह फिल्म इन्हीं की कहानी पर आधारित है। बता दें कि फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अपना जान पर खेलकर देश की रक्षा की थी। सैम बहादुर मनेकसा में 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं, लेकिन आज हम आपको 1971 के युद्ध खत्म होने की बात बताएंगे। 1971 युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान में हजारों युद्ध बंदियों को भारत लाया गया, पर उनके लिए बंदी शिविर बनाई जाएगी।
मनोक्षा सभी शिविरों में जाते हैं और युद्ध बंदियों से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। युद्ध बंदियों में एक पाकिस्तानी कर्नल भी थे, उनसे मनोक्षा से कहा, सर अगर आप एक कुरान की प्रति दिलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मनेक्सा ने राजपुताना राइफल्स में एक आदमी भिजवाया जहां एक मुस्लिम टुकड़ी थी, उनसे कुरान लेकर मनेक्सा से शाम होने से पहले ही पाक करने तक पहुंचा दी। उनके व्यवहार को देखकर एक पाकिस्तानी कर्नल बहुत ही प्रभावित हुए और उनसे बोले, मैं आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे अफसोस है कि आप मेरी कमांडर नहीं हैं। मैं एक दूसरे मौके पर मनेक्सा ने जब एक पाकिस्तानी जवान के कंधे पर हाथ रखकर उनका हालचाल पूछा तो लगभग रोते हुए बोला, अपनी सेना के जनरलों तो हम बस दूर से ही देख सकते थे, वो कभी सैनिक के इस तरह रूबरू होकर बात नहीं किया करते थे। इन युद्धवादियों को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी दुष्प्रचार चलता था कि अगर भारत उन्हें खाना नहीं दिया कि भारत में उन्हें खाना नहीं दिया जाता। ऐसे में एक रोज मनोक्षा के साथ एक घटना हुई जिसने इस झूठी की पोल खोल दी। हुआ यूं कि लाहौर में आर्मी चीफ की मीटिंग हुई, इसमें हिंदुस्तान से जनरल मनेक्सा को भी आमंत्रित किया गया। पाकिस्तानी फौज में लाहौर गवर्नर हाउस ने भोजन का आयोजन किया था। भोजन के बाद मनेक्सा को बताया गया कि गवर्नर हाउस के कर्मचारी उनसे मिलना चाहते हैं। मनेक्सा मिलने पहुंचे तो एक पाकिस्तानी कर्मचारी ने अपना साफा अवतार कर सैम के कदमों में रख दिया। जब उन्होंने इसका कारण पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उस आदमी ने जवाब दिया कि सर मेरे 5 लड़के आपकी कैद में हैं, वो मुझे खत लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि आपने उन्हें कुरान दी है, उन्हें चारपाई मिली है जबकि आपके सैनिक जमीन पर सोते हैं। जब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता जो कहते हैं कि मैं हिंदू खराब होते हैं, हो सकता है सैम बहादुर में हमें यह किस्सा की शॉर्ट में दिखाया लेकिन देखते ही कि मूवी में कौन कौन से पार्ट दिखाए जाते हैं। वैसे आप सैम बहादुर फिल्म को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सन 1942 के दौरान वर्मा के मोर्चे पर एक भारतीय सिपाही को एक जापानी सिपाही ने अपनी मशीन गन से 7 गोलियां मारी। गोलियां भारतीय जवान की आंतों, जिगर और गुर्दों में उतर गईं। जवान गिर पड़ा, उसे मृत समझ लिया गया किंतु उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो जवान इतने गंभीर रूप से घायल हो चुका था कि उसके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उसके सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि उसके मरने के बाद उसे मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जा सकता था। वो जवान इस तरह से घायल हो चुका था कि उसे उसी हालात में छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। उसे साथ लेकर पीछे हटने पर बटालियन की गति धीमी पड़ जाती लेकिन ये बात उस जवान के अर्दली को मंजूर नहीं थी। उसने जवान को कंधे पर उठा लिया और पीछे चल पड़ा। इस जवान की हालत को देखकर सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्हें इसका इलाज करना समय की बर्बादी लग रहा था। इतने में वो अर्दली को जवान का घायल शरीर उठाकर वहां तक लाया था, ने अपनी राइफल तान कर डॉक्टर से कहा, हम अपने अफसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठा कर लाए हैं, हम नहीं चाहेंगे कि वह हमारे सामने इसलिए मर जाए क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया, आप उनका इलाज करिए नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। डॉक्टर का मन अब भी नहीं मान रहा था मगर सामने एक जुनूनी इंसान उस पर राइफल ताने खड़ा था, इसलिए अनमने मन से उसने जवान के शरीर में धंसी हुई गोलियां निकाली और उसकी आंत का क्षतिग्रस्त हिस्सा काट कर हटा दिया। इतना करने के बाद भी डॉक्टर को जरा से उम्मीद नहीं थी कि वह जवान बचेगा लेकिन उस जवान को अभी मरना नहीं था, यही कारण था कि वो आश्चर्यजनक रूप से बच गया। स्थिति थोड़ी समान होते ही उस जवान को पहले मांडले ले जाया गया, फिर रंगून और फिर वापस भारत लाया गया। 7 गोलियां खाने के बाद भी जीने की जिद पर अड़ा हुआ यह जवान था लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्सा, वही सैम मनेक्सा जिन्हें 1971 में इंडो पाक युद्ध का हीरो कहा जाता है और उनका अर्दली जो उन्हें बचा के लाया था उसका नाम सूबेदार शेर था। अगर उस दिन शेर सिंह ने हिम्मत और लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्सा के प्रति अपना समर्पण न दिखाया होता तो शायद हमें एक ऐसा सैनिक अफसर न मिलता जो दुश्मनों या हुक्मरानों के सामने सही बात बोलते हुए जरा से भी हिचक महसूस नहीं होने देता था। 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सैम मनेक्सा का पूरा नाम सैम हेमोर सजी
प्रेम सिंह, जसमीत सिंह, मनेकशा, लेकिन उनका पूरा नाम शायद ही किसी को याद हो। उनके साथ अफसर हो या उनके परिवार वाले, यहाँ तक कि उनके अभिभावक तक उन्हें सैम या सैम बहादुर ही कहकर पुकारते थे। सैम मनेकशा ने करीब 4 दशक फौज में गुजारे और इस दौरान 5 युद्ध में हिस्सा लिया। फौजी के रूप में उन्हें अपनी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया आर्मी से की थी। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। 1971 की जंग में उनकी बड़ी भूमिका रही। इस जंग में भारतीय फौज की जीत का खाका भी खुद मनेकशा ने ही खींचा था। 1972 में चीन के युद्ध हारने के बाद सैम को बिजी कौल के स्थान पर 4थी कोर की कमान सौंपी गई। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, यह आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। अनुशासन या सैनिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच संबंधों की बात आने पर सैम कोई समझौता नहीं करते थे। सैम अपनी यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर बड़ी समझौता नहीं करते थे। सैम अपने यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर कभी समझौता नहीं करते थे, भले ही सामने कोई बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना बैठा हो। वो अपनी बात कहने में कभी नहीं डरते थे। एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी। रक्षा सचिव हरीश सरीन भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ बैठे कर्नल से कहा, यू देयर ओपन द विंडो। वह कर्नल उठने लगा, तभी सैम ने कमरे में प्रवेश किया। रक्षा सचिव की तरफ से मुड़े और बोले, सचिव महोदय, आइंदा से आप मेरे किसी भी अफसर से इस टोन की बात नहीं करेंगे। यह अफसर कर्नल है, यू देयर नहीं। उस जमाने की बहुत शक्तिशाली ICS अफसर हरीश सरीन को उनसे माफी मांगनी पड़ी। अपनी बात को लेकर सैम कभी पीछे नहीं हटे, भले ही सामने कोई भी हो। 1971 की लड़ाई की है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वह मार्च में ही पाकिस्तान पर हमला कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनके कारण यही था कि उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि भारतीय सेना अभी हमले के लिए तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुई। मनेकशा ने पूछा कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं। उन्होंने कहा हाँ। इस पर मनेकशा ने कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीत आपकी होगी। सैम के लिए इससे गर्व की बात यह नहीं थी कि भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। उनके लिए सबसे बड़ा क्षण तब था जब युद्ध बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिक ने स्वीकार किया कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। ऐसे देश ऐसे वीर सपूत के बारे में आने वाली नस्लों को बताया जाना बेहद जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनके कारण आज भारत विश्व में शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा है। हमें इनकी स्मृतियों और बहादुरी के किस्सों को अनमोल विरासत की तरह सहेजने की आवश्यकता है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर का टीजर रिलीज हो गया था। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इसका टीजर आते ही दर्शकों में उत्साह भर गया है। फिल्म के टीजर में विकी कौशल के दमदार अभिनय की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यह फिल्म धमाल मचा सकती है। सैम बहादुर में भी विकी कौशल भारतीय सेना की वर्दी पहने टीजर में नजर आ रहे हैं। फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकशा का किरदार निभाते दिखेंगे। ये फिल्म भी रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है। टीजर में विकी कौशल दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। टीजर में फातिमा सना शेख पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अवतार में नजर आ रही हैं। सैम बहादुर के टीजर की खास बात यह है कि इसमें देशभक्ति से भरपूर एक से एक डायलॉग मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर फैंस सैम बहादुर के इस टीजर का काफ़ी पसंद किया जा रहा है। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकशा के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकशा ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें कि सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं। उनकी पत्नी के किरदार में सन्या मल्होत्रा नजर आ रही हैं। वही फातिमा सना शेख इंदिरा गांधी के किरदार में हैं। फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। टीजर में विकी के अलावा फातिमा सना शेख दमदार अवतार में दिखी हैं। वही सन्या मल्होत्रा की सिर्फ एक झलक देखने को पाएंगे। टीजर सामने आने के बाद अब हर कोई विकी कौशल की सैम बहादुर की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गौर करें, इस मूवी की रिलीज डेट की तरफ को 1 दिसंबर 2023 को डायरेक्टर मेघना गुलजार की यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मालूम हो कि विकी कौशल की सैम बहादुर का बॉक्स ऑफिस क्लैश रणबीर कपूर स्टारर एनिमल से होगा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जोश भरने वाले विकी कौशल जल्द ही एक बार फिर पर्दे पर आर्मी यूनिफॉर्म पहने नजर आएंगे। अभिनेता मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म सैम बहादुर से दर्शकों के दिलों में फिर एक बार वही जोश
फोर्स भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म की रिलीज डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे इसको लेकर नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विक्की कौशल ने फिल्म की शूटिंग आर्मी के असली जवानों के साथ की है। साल 1971 के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म में विक्की कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ का किरदार निभाते नजर आए थे। जिस दिन से फिल्म का ऐलान हुआ था उसी दिन से दर्शक इसका इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को लेकर आज कुछ ऐसा सामने आया है जो सभी में फिल्म का बज बढ़ा देगा। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में विक्की कौशल ने शूटिंग जूनियर आर्टिस्ट के साथ नहीं बल्कि डिफेंस फोर्स में काम करने वाले और रक्षा बल के लोगों के साथ की है। रिपोर्ट में इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया गया है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मेघना फिल्म की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना चाहती थी और बायोपिक में चीज़ों को प्रमाणिक रखना चाहती थी। वह किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। सैम बहादुर की बात करें तो फिल्म में विक्की कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकशॉ ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विक्की कौशल के साथ संजय मल्होत्रा और फातिमा सना शेख मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। विक्की कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा में थी। फैंस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं दर्शकों के एक्साइटमेंट को दोगुना करने के लिए मेकर्स ने फिल्म का टीजर जारी कर दिया था। 1 मिनट 26 सेकंड का यह टीजर बेहद दमदार नजर आ रहा है। एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इस डायलॉग के साथ शुरू होता है सैम बहादुर का दमदार टीजर। टीजर में फिल्म के हीरो विक्की कौशल दमदार अभिनय में नजर आ रहे हैं। विक्की कौशल एक इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल के किरदार में खूब जज रहे हैं। टीजर में सैम बहादुर की दमदार डायलॉग डिलीवरी से लेकर शानदार अभिनय तक सभी काबिले तारीफ है। वही टीजर में फातिमा सना शेख की भी छोटी सी झलक देखने को मिली जो फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल अदा कर रही हैं। वही संन्या मल्होत्रा ने भी अच्छा काम किया है। बता दें कि बीते दिन फिल्म के नए पोस्टर के साथ विक्की कौशल ने फिल्म के टीजर की घोषणा की थी। तभी से फिल्म के टीजर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सैम बहादुर की कहानी साल 1971 के दौरान हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की है। इस जंग के दौरान भारत के पहले फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ सैम मनेकशॉ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह फिल्म इन्हीं की कहानी पर आधारित है। बता दें कि फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अपना जान पर खेलकर देश की रक्षा की थी। सैम बहादुर मनेकशॉ में 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें सैम बहादुर में विक्की कौशल लीड रोल में हैं, लेकिन आज हम आपको 1971 के युद्ध खत्म होने की बात बताएंगे। 1971 युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान में हजारों युद्ध बंदियों को भारत लाया गया, पर उनके लिए बंदी शिविर बनाई जाएगी। मनेकशॉ सभी शिविरों में जाते हैं और युद्ध बंदियों से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। युद्ध बंदियों में एक पाकिस्तानी कर्नल भी थे। उनसे मनेकशॉ से कहा, सर अगर आप एक कुरान की प्रति दिलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मनेकशॉ ने राजपुताना राइफल्स में एक आदमी भिजवाया जहां एक मुस्लिम टुकड़ी थी। उनसे कुरान लेकर मनेकशॉ से शाम होने से पहले ही पाक करने तक पहुंचा दी। उनके व्यवहार को देखकर एक पाकिस्तानी कर्नल बहुत ही प्रभावित हुए और उनसे बोले, मैं आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे अफसोस है कि आप मेरी कमांडर नहीं हैं। मैं एक दूसरे मौके पर मनेकशॉ ने जब एक पाकिस्तानी जवान के कंधे पर हाथ रखकर उनका हालचाल पूछा तो लगभग रोते हुए बोला, अपनी सेना के जनरलों तो हम बस दूर से ही देख सकते थे, वो कभी सैनिक के इस तरह रूबरू होकर बात नहीं किया करते थे। इन युद्धवादियों को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी दुष्प्रचार चलता था कि अगर भारत उन्हें खाना नहीं दिया कि भारत में उन्हें खाना नहीं दिया जाता। ऐसे में एक रोज मनेकशॉ के साथ एक घटना हुई जिसने इस झूठी की पोल खोल दी। हुआ यूं कि लाहौर में आर्मी चीफ की मीटिंग हुई। इसमें हिंदुस्तान से जनरल मनेकशॉ को भी आमंत्रित किया गया। पाकिस्तानी फौज में लाहौर गवर्नर हाउस ने भोजन का आयोजन किया था। भोजन के बाद मनेकशॉ को बताया गया कि गवर्नर हाउस के कर्मचारी उनसे मिलना चाहते हैं। मनेकशॉ मिलने पहुंचे तो एक पाकिस्तानी कर्मचारी ने अपना साफा अवतार कर सैम के कदमों में रख दिया।
जब उन्होंने इसका कारण पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उस आदमी ने जवाब दिया कि सर मेरे 5 लड़के आपकी कैद में हैं, वो मुझे खत लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि आपने उन्हें कुरान दी है, उन्हें चारपाई मिली है, जबकि आपके सैनिक जमीन पर सोते हैं। जब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता जो कहते हैं कि मैं हिंदू खराब होते हैं, हो सकता है सैम बहादुर में हमें यह किस्सा की शॉर्ट में दिखाया, लेकिन देखते ही कि मूवी में कौन कौन से पार्ट दिखाए जाते हैं। वैसे आप सैम बहादुर फिल्म को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सन 1942 के दौरान वर्मा के मोर्चे पर एक भारतीय सिपाही को एक जापानी सिपाही ने अपनी मशीन गन से 7 गोलियां मारी। गोलियां भारतीय जवान की आंतों, जिगर और गुर्दों में उतर गईं। जवान गिर पड़ा, उसे मृत समझ लिया गया, किंतु उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो जवान इतने गंभीर रूप से घायल हो चुका था कि उसके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उसके सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि उसके मरने के बाद उसे मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जा सकता था। वो जवान इस तरह से घायल हो चुका था कि उसे उसी हालात में छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। उसे साथ लेकर पीछे हटने पर बटालियन की गति धीमी पड़ जाती, लेकिन यह बात उस जवान के अर्दली को मंजूर नहीं थी। उसने जवान को कंधे पर उठा लिया और पीछे चल पड़ा। इस जवान की हालत को देखकर सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्हें इसका इलाज करना समय की बर्बादी लग रहा था। इतने में वो अर्दली को जवान का घायल शरीर उठाकर वहां तक लाया था, ने अपनी राइफल तान कर डॉक्टर से कहा, हम अपने अफसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठा कर लाए हैं, हम नहीं चाहेंगे कि वह हमारे सामने इसलिए मर जाए क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया, आप उनका इलाज करिए नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। डॉक्टर का मन अब भी नहीं मान रहा था, मगर सामने एक जुनूनी इंसान उस पर राइफल ताने खड़ा था, इसलिए अनमने मन से उसने जवान के शरीर में धंसी हुई गोलियां निकाली और उसकी आंत का क्षतिग्रस्त हिस्सा काट कर हटा दिया। इतना करने के बाद भी डॉक्टर को जरा से उम्मीद नहीं थी कि वह जवान बचेगा, लेकिन उस जवान को अभी मरना नहीं था, यही कारण था कि वो आश्चर्यजनक रूप से बच गया। स्थिति थोड़ी समान होते ही उस जवान को पहले मांडले ले जाया गया, फिर रंगून और फिर वापस भारत लाया गया। 7 गोलियां खाने के बाद भी जीने की जिद पर अड़ा हुआ यह जवान था लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्शॉ, वही सैम मनेक्शॉ जिन्हें 1971 में इंडो पाक युद्ध का हीरो कहा जाता है, और उनका अर्दली जो उन्हें बचा के लाया था उसका नाम सूबेदार शेर था। अगर उस दिन शेर सिंह ने हिम्मत और लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्शॉ के प्रति अपना समर्पण न दिखाया होता तो शायद हमें एक ऐसा सैनिक अफसर न मिलता जो दुश्मनों या हुक्मरानों के सामने सही बात बोलते हुए जरा से भी हिचक महसूस नहीं होने देता था। 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सैम मनेक्शॉ का पूरा नाम सैम हेमोर सजी फ्रेम सी चश्मेद सी मनेक्शॉ, लेकिन उनका पूरा नाम शायद ही किसी को याद हो। उनके साथ अफसर हो या उनके परिवार वाले, यहाँ तक कि उनके अभिभावक तक उन्हें सैम या सैम बहादुर ही कहकर पुकारते थे। सैम मनेक्शॉ ने करीब 4 दशक फौज में गुजारे और इस दौरान 5 युद्ध में हिस्सा लिया। फौजी के रूप में उन्हें अपनी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया आर्मी से की थी, इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। 1971 की जंग में उनकी बड़ी भूमिका रही, इस जंग में भारतीय फौज की जीत का खाका भी खुद मनेक्शॉ ने ही खींचा था। 1972 में चीन के युद्ध हारने के बाद सैम को बिजी कौल के स्थान पर 4th कोर की कमान सौंपी गई। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, यह आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। अनुशासन या सैनिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच संबंधों की बात आने पर सैम कोई समझौता नहीं करते थे। सैम अपनी यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर बड़ी समझौता नहीं करते थे। सैम अपने यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर कभी समझौता नहीं करते थे, भले ही सामने कोई बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना बैठा हो, वो अपनी बात कहने में कभी नहीं डरते थे। एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी, रक्षा सचिव हरीश सरीन भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ बैठे कर्नल से कहा,
यू देयर ओपन द विंडो, वह कर्नल उठने लगा। तभी सैम ने कमरे में प्रवेश किया, रक्षा सचिव की तरफ से मुड़े और बोले, सचिव महोदय आइंदा से आप मेरे किसी भी अफसर से इस टोन की बात नहीं करेंगे, यह अफसर कर्नल है, यू देयर नहीं। उस जमाने की बहुत शक्तिशाली ICS अफसर हरीश सरीन को उनसे माफी मांगनी पड़ी। अपनी बात को लेकर सैम कभी पीछे नहीं हटे, भले ही सामने कोई भी हो। वह 1971 की लड़ाई की है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वह मार्च में ही पाकिस्तान पर हमला कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनके कारण यही था कि उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि भारतीय सेना अभी हमले के लिए तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुई। मनेकशा ने पूछा कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं, उन्होंने कहा हाँ। इस पर मनेकशा ने कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीत आपकी होगी। सैम के लिए इससे गर्व की बात यह नहीं थी कि भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। उनके लिए सबसे बड़ा क्षण तब था जब युद्ध बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिक ने स्वीकार किया कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। ऐसे देश ऐसे वीर सपूत के बारे में आने वाली नस्लों को बताया जाना बेहद जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनके कारण आज भारत विश्व में शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा है। हमें इनकी स्मृतियों और बहादुरी के किस्सों को अनमोल विरासत की तरह सहेजने की आवश्यकता है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर का टीजर रिलीज हो गया था। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इसका टीजर आते ही दर्शकों में उत्साह भर गया है। फिल्म के टीजर में विकी कौशल के दमदार अभिनय की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यह फिल्म धमाल मचा सकती है। सैम बहादुर में भी विकी कौशल भारतीय सेना की वर्दी पहने टीजर में नजर आ रहे हैं। फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकशा का किरदार निभाते दिखेंगे। ये फिल्म भी रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है। टीजर में विकी कौशल दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। टीजर में फातिमा सना शेख पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अवतार में नजर आ रही हैं। सैम बहादुर के टीजर की खास बात यह है कि इसमें देशभक्ति से भरपूर एक से एक डायलॉग मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर फैंस सैम बहादुर के इस टीजर का काफ़ी पसंद किया जा रहा है। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकशा के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकशा ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें कि सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं। उनकी पत्नी के किरदार में सन्या मल्होत्रा नजर आ रही हैं। वही फातिमा सना शेख इंदिरा गांधी के किरदार में हैं। फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। टीजर में विकी के अलावा फातिमा सना शेख दमदार अवतार में दिखी हैं। वही सन्या मल्होत्रा की सिर्फ एक झलक देखने को पाएंगे। टीजर सामने आने के बाद अब हर कोई विकी कौशल की सैम बहादुर की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गौर करें इस मूवी की रिलीज डेट की तरफ को 1 दिसंबर 2023 को डायरेक्टर मेघना गुलजार की यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मालूम हो कि विकी कौशल की सैम बहादुर का बॉक्स ऑफिस क्लैश रणबीर कपूर स्टारर एनिमल से होगा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जोश भरने वाले विकी कौशल जल्द ही एक बार फिर पर्दे पर आर्मी यूनिफॉर्म पहने नजर आएंगे। अभिनेता मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म सैम बहादुर से दर्शकों के दिलों में फिर एक बार वही जोश भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म की रिलीज डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे इसको लेकर नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विकी कौशल ने फिल्म की शूटिंग आर्मी के असली जवानों के साथ की है। साल 1971 के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकशा का किरदार निभाते नजर आए थे। जिस दिन से फिल्म का ऐलान हुआ था उसी दिन से दर्शक इसका इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को लेकर आज कुछ ऐसा सामने आया है जो सभी में फिल्म का बज बढ़ा देगा। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में विकी कौशल ने शूटिंग जूनियर आर्टिस्ट के साथ नहीं बल्कि डिफेंस फोर्स में काम करने वाले और रक्षा बल के लोगों के साथ की है। रिपोर्ट में इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया गया है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मेघना फिल्म की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना चाहती थी और बायोपिक में चीज़ों को प्रमाणिक रखना चाहती थी। वह किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। सैम बहादुर की बात करें तो फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकशा का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकशा के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकशा ने
1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विकी कौशल के साथ संजय मल्होत्रा और फातिमा सना शेख मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा में थी। फैंस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं दर्शकों के एक्साइटमेंट को दोगुना करने के लिए मेकर्स ने फिल्म का टीजर जारी कर दिया था। 1 मिनट 26 सेकंड का यह टीजर बेहद दमदार नजर आ रहा है। एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इस डायलॉग के साथ शुरू होता है सैम बहादुर का दमदार टीजर। टीजर में फिल्म के हीरो विकी कौशल दमदार अभिनय में नजर आ रहे हैं। विकी कौशल एक इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल के किरदार में खूब जज रहे हैं। टीजर में सैम बहादुर की दमदार डायलॉग डिलीवरी से लेकर शानदार अभिनय तक सभी काबिले तारीफ है। वही टीजर में फातिमा सना शेख की भी छोटी सी झलक देखने को मिली, जो फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल अदा कर रही हैं। वही संजय मल्होत्रा ने भी अच्छा काम किया है। बता दें कि बीते दिन फिल्म के नए पोस्टर के साथ विकी कौशल ने फिल्म के टीजर की घोषणा की थी, तभी से फिल्म के टीजर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सैम बहादुर की कहानी साल 1971 के दौरान हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की है। इस जंग के दौरान भारत के पहले फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ सैम मनेकशा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह फिल्म इन्हीं की कहानी पर आधारित है। बता दें कि फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अपना जान पर खेलकर देश की रक्षा की थी। सैम बहादुर मनोकशा में 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं, लेकिन आज हम आपको 1971 के युद्ध खत्म होने की बात बताएंगे। 1971 युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान में हजारों युद्ध बंदियों को भारत लाया गया, पर उनके लिए बंदी शिविर बनाई जाएगी। मनोकशा सभी शिविरों में जाते हैं और युद्ध बंदियों से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। युद्ध बंदियों में एक पाकिस्तानी कर्नल भी थे। उनसे मनेकशा से कहा, सर अगर आप एक कुरान की प्रति दिलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मनेकशा ने राजपुताना राइफल्स में एक आदमी भिजवाया जहां एक मुस्लिम टुकड़ी थी। उनसे कुरान लेकर मनेकशा से शाम होने से पहले ही पाक करने तक पहुंचा दी। उनके व्यवहार को देखकर एक पाकिस्तानी कर्नल बहुत ही प्रभावित हुए और उनसे बोले, मैं आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे अफसोस है कि आप मेरी कमांडर नहीं हैं। मैं एक दूसरे मौके पर मनेकशा ने जब एक पाकिस्तानी जवान के कंधे पर हाथ रखकर उनका हालचाल पूछा तो लगभग रोते हुए बोला, अपनी सेना के जनरलों तो हम बस दूर से ही देख सकते थे, वो कभी सैनिक के इस तरह रूबरू होकर बात नहीं किया करते थे। इन युद्धवादियों को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी दुष्प्रचार चलता था कि अगर भारत उन्हें खाना नहीं दिया कि भारत में उन्हें खाना नहीं दिया जाता। ऐसे में एक रोज मनोकशा के साथ एक घटना हुई जिसने इस झूठी की पोल खोल दी। हुआ यूं कि लाहौर में आर्मी चीफ की मीटिंग हुई, इसमें हिंदुस्तान से जनरल मनेकशा को भी आमंत्रित किया गया। पाकिस्तानी फौज में लाहौर गवर्नर हाउस ने भोजन का आयोजन किया था। भोजन के बाद मनेकशा को बताया गया कि गवर्नर हाउस के कर्मचारी उनसे मिलना चाहते हैं। मनेकशा मिलने पहुंचे तो एक पाकिस्तानी कर्मचारी ने अपना साफा अवतार कर सैम के कदमों में रख दिया। जब उन्होंने इसका कारण पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उस आदमी ने जवाब दिया कि सर मेरे 5 लड़के आपकी कैद में हैं, वो मुझे खत लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि आपने उन्हें कुरान दी है, उन्हें चारपाई मिली है, जबकि आपके सैनिक जमीन पर सोते हैं। जब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता जो कहते हैं कि मैं हिंदू खराब होते हैं, हो सकता है सैम बहादुर में हमें किस्सा की शॉर्ट में दिखाया, लेकिन देखते ही कि मूवी में कौन कौन से पार्ट दिखाए जाते हैं। वैसे आप सैम बहादुर फिल्म को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सन 1942 के दौरान वर्मा के मोर्चे पर एक भारतीय सिपाही को एक जापानी सिपाही ने अपनी मशीन गन से 7 गोलियां मारी। गोलियां भारतीय जवान की आंतों, जिगर और गुर्दों में उतर गईं। जवान गिर पड़ा, उसे मृत समझ लिया गया, किंतु उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो जवान इतने गंभीर रूप से घायल हो चुका था कि उसके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उसके सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि उसके मरने के बाद उसे मिलिट्री क्रॉस
नहीं दिया जा सकता था। वो जवान इस तरह से घायल हो चुका था कि उसे उसी हालात में छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। उसे साथ लेकर पीछे हटने पर बटालियन की गति धीमी पड़ जाती, लेकिन यह बात उस जवान के अर्दली को मंजूर नहीं थी। उसने जवान को कंधे पर उठा लिया और पीछे चल पड़ा। इस जवान की हालत को देखकर सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्हें इसका इलाज करना समय की बर्बादी लग रहा था। इतने में वो अर्दली को जवान का घायल शरीर उठाकर वहां तक लाया था। ने अपनी राइफल तानकर डॉक्टर से कहा, हम अपने अफसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठा कर लाए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि वह हमारे सामने इसलिए मर जाए क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया। आप उनका इलाज करिए, नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। डॉक्टर का मन अब भी नहीं मान रहा था, मगर सामने एक जुनूनी इंसान उस पर राइफल ताने खड़ा था। इसलिए अनमने मन से उसने जवान के शरीर में धंसी हुई गोलियाँ निकाली और उसकी आंत का क्षतिग्रस्त हिस्सा काट कर हटा दिया। इतना करने के बाद भी डॉक्टर को जरा से उम्मीद नहीं थी कि वह जवान बचेगा, लेकिन उस जवान को अभी मरना नहीं था। यही कारण था कि वो आश्चर्यजनक रूप से बच गया। स्थिति थोड़ी समान होते ही उस जवान को पहले मांडले ले जाया गया, फिर रंगून और फिर वापस भारत लाया गया। 7 गोलियां खाने के बाद भी जीने की जिद पर अड़ा हुआ यह जवान था लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्सा। वही सैम मनेक्सा जिन्हें 1971 में इंडो पाक युद्ध का हीरो कहा जाता है, और उनका अर्दली जो उन्हें बचा के लाया था उसका नाम सूबेदार शेर था। अगर उस दिन शेर सिंह ने हिम्मत और लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्सा के प्रति अपना समर्पण न दिखाया होता तो शायद हमें एक ऐसा सैनिक अफसर न मिलता जो दुश्मनों या हुक्मरानों के सामने सही बात बोलते हुए जरा से भी हिचक महसूस नहीं होने देता था। 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सैम मनेक्सा का पूरा नाम सैम हेमोर सजी फ्रेम सी चश्मेद सी मनेक्सा, लेकिन उनका पूरा नाम शायद ही किसी को याद हो। उनके साथ अफसर हो या उनके परिवार वाले, यहाँ तक कि उनके अभिभावक तक उन्हें सैम या सैम बहादुर ही कहकर पुकारते थे। सैम मनेक्सा ने करीब 4 दशक फौज में गुजारे और इस दौरान 5 युद्ध में हिस्सा लिया। फौजी के रूप में उन्हें अपनी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया आर्मी से की थी। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। 1971 की जंग में उनकी बड़ी भूमिका रही। इस जंग में भारतीय फौज की जीत का खाका भी खुद मनेक्सा ने ही खींचा था। 1972 में चीन के युद्ध हारने के बाद सैम को बिजी कौल के स्थान पर 4th कोर की कमान सौंपी गई। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, यह आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। अनुशासन या सैनिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच संबंधों की बात आने पर सैम कोई समझौता नहीं करते थे। सैम अपनी यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर बड़ी समझौता नहीं करते थे। सैम अपने यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर कभी समझौता नहीं करते थे, भले ही सामने कोई बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना बैठा हो। वो अपनी बात कहने में कभी नहीं डरते थे। एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी। रक्षा सचिव हरीश सरीन भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ बैठे कर्नल से कहा, यू देयर ओपन द विंडो। वह कर्नल उठने लगा, तभी सैम ने कमरे में प्रवेश किया। रक्षा सचिव की तरफ से मुड़े और बोले, सचिव महोदय, आइंदा से आप मेरे किसी भी अफसर से इस टोन की बात नहीं करेंगे। यह अफसर कर्नल है, यू देयर नहीं। उस जमाने की बहुत शक्तिशाली ICS अफसर हरीश सरीन को उनसे माफी मांगनी पड़ी। अपनी बात को लेकर सैम कभी पीछे नहीं हटे, भले ही सामने कोई भी हो। 1971 की लड़ाई की है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वह मार्च में ही पाकिस्तान पर हमला कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनके कारण यही था कि उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि भारतीय सेना अभी हमले के लिए तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुई। मनेकसा ने पूछा कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं। उन्होंने कहा, हाँ। इस पर मनेकसा ने कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीत आपकी होगी। सैम के लिए इससे गर्व की बात यह नहीं थी कि भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। उनके लिए सबसे बड़ा क्षण तब था जब युद्ध बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिक ने स्वीकार किया कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। ऐसे देश ऐसे वीर सपूत के बारे में आने वाली नस्लों को बताया जाना बेहद जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनके कारण आज भारत विश्व में शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा है। हमें इनकी स्मृतियों और बहादुरी के
किस्सों को अनमोल विरासत की तरह सहेजने की आवश्यकता है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर का टीजर रिलीज हो गया था। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इसका टीजर आते ही दर्शकों में उत्साह भर गया है। फिल्म के टीजर में विकी कौशल के दमदार अभिनय की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यह फिल्म धमाल मचा सकती है। सैम बहादुर में भी विकी कौशल भारतीय सेना की वर्दी पहने टीजर में नजर आ रहे हैं। फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकसा का किरदार निभाते दिखेंगे। ये फिल्म भी रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है। टीजर में विकी कौशल दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। टीजर में फातिमा सना शेख पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अवतार में नजर आ रही हैं। सैम बहादुर के टीजर की खास बात यह है कि इसमें देशभक्ति से भरपूर एक से एक डायलॉग मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर फैंस सैम बहादुर के इस टीजर का काफ़ी पसंद किया जा रहा है। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकसा के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकसा ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें कि सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं। उनकी पत्नी के किरदार में सन्या मल्होत्रा नजर आ रही हैं। वही फातिमा सना शेख इंदिरा गांधी के किरदार में हैं। फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। टीजर में विकी के अलावा फातिमा सना शेख दमदार अवतार में दिखी हैं। वही सन्या मल्होत्रा की सिर्फ एक झलक देखने को पाएंगे। टीजर सामने आने के बाद अब हर कोई विकी कौशल की सैम बहादुर की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गौर करें इस मूवी की रिलीज डेट की तरफ को 1 दिसंबर 2023 को डायरेक्टर मेघना गुलजार की यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मालूम हो कि विकी कौशल की सैम बहादुर का बॉक्स ऑफिस क्लैश रणबीर कपूर स्टारर एनिमल से होगा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जोश भरने वाले विकी कौशल जल्द ही एक बार फिर पर्दे पर आर्मी यूनिफॉर्म पहने नजर आएंगे। अभिनेता मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म सैम बहादुर से दर्शकों के दिलों में फिर एक बार वही जोश भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म की रिलीज डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे इसको लेकर नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विकी कौशल ने फिल्म की शूटिंग आर्मी के असली जवानों के साथ की है। साल 1971 के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकसा का किरदार निभाते नजर आए थे। जिस दिन से फिल्म का ऐलान हुआ था उसी दिन से दर्शक इसका इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को लेकर आज कुछ ऐसा सामने आया है जो सभी में फिल्म का बज बढ़ा देगा। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में विकी कौशल ने शूटिंग जूनियर आर्टिस्ट के साथ नहीं बल्कि डिफेंस फोर्स में काम करने वाले और रक्षा बल के लोगों के साथ की है। रिपोर्ट में इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया गया है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मेघना फिल्म की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना चाहती थी और बायोपिक में चीज़ों को प्रमाणिक रखना चाहती थी। वह किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। सैम बहादुर की बात करें तो फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकसा का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकसा के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकसा ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विकी कौशल के साथ संजय मल्होत्रा और फातिमा सना शेख मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा में थी। फैंस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वही दर्शकों के एक्साइटमेंट को दोगुना करने के लिए मेकर्स ने फिल्म का टीजर जारी कर दिया था। 1 मिनट 26 सेकंड का यह टीजर बेहद दमदार नजर आ रहा है। एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इस डायलॉग के साथ शुरू होता है सैम बहादुर का दमदार टीजर। टीजर में फिल्म के हीरो विकी कौशल दमदार अभिनय में नजर आ रहे हैं। विकी कौशल एक इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल के किरदार में खूब जज रहे हैं। टीजर में सैम बहादुर की दमदार डायलॉग डिलीवरी से लेकर शानदार अभिनय तक सभी काबिले तारीफ है। वही टीजर में फातिमा सना शेख की भी छोटी सी झलक देखने को मिली, जो फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल अदा कर रही हैं। वही सन्या मल्होत्रा ने भी अच्छा काम किया है। बता दें कि बीते दिन फिल्म के नए पोस्टर के साथ विकी कौशल ने फिल्म के टीजर की घोषणा की थी, तभी से फिल्म के टीजर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सैम बहादुर की कहानी साल 1971 के दौरान हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की है। इस जंग के दौरान भारत के पहले फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ सैम मनेकसा का बहुत बड़ा
बड़ा योगदान रहा है। यह फिल्म इन्हीं की कहानी पर आधारित है। बता दें कि फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अपना जान पर खेलकर देश की रक्षा की थी। सैम बहादुर मनोकसा में 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं, लेकिन आज हम आपको 1971 के युद्ध खत्म होने की बात बताएंगे। 1971 युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान में हजारों युद्ध बंदियों को भारत लाया गया, पर उनके लिए बंदी शिविर बनाई जाएगी। मनोकसा सभी शिविरों में जाते हैं और युद्ध बंदियों से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। युद्ध बंदियों में एक पाकिस्तानी कर्नल भी थे, उनसे मनोकसा से कहा, सर अगर आप एक कुरान की प्रति दिलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मनोकसा ने राजपुताना राइफल्स में एक आदमी भिजवाया जहां एक मुस्लिम टुकड़ी थी, उनसे कुरान लेकर मनोकसा से शाम होने से पहले ही पाक करने तक पहुंचा दी। उनके व्यवहार को देखकर एक पाकिस्तानी कर्नल बहुत ही प्रभावित हुए और उनसे बोले, मैं आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे अफसोस है कि आप मेरी कमांडर नहीं हैं। मैं एक दूसरे मौके पर मनोकसा ने जब एक पाकिस्तानी जवान के कंधे पर हाथ रखकर उनका हालचाल पूछा तो लगभग रोते हुए बोला, अपनी सेना के जनरलों तो हम बस दूर से ही देख सकते थे, वो कभी सैनिक के इस तरह रूबरू होकर बात नहीं किया करते थे। इन युद्धवादियों को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी दुष्प्रचार चलता था कि अगर भारत उन्हें खाना नहीं दिया कि भारत में उन्हें खाना नहीं दिया जाता। ऐसे में एक रोज मनोकसा के साथ एक घटना हुई जिसने इस झूठी की पोल खोल दी। हुआ यूं कि लाहौर में आर्मी चीफ की मीटिंग हुई, इसमें हिंदुस्तान से जनरल मनोकसा को भी आमंत्रित किया गया। पाकिस्तानी फौज में लाहौर गवर्नर हाउस ने भोजन का आयोजन किया था। भोजन के बाद मनोकसा को बताया गया कि गवर्नर हाउस के कर्मचारी उनसे मिलना चाहते हैं। मनोकसा मिलने पहुंचे तो एक पाकिस्तानी कर्मचारी ने अपना साफा उतार कर सैम के कदमों में रख दिया। जब उन्होंने इसका कारण पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उस आदमी ने जवाब दिया कि सर मेरे 5 लड़के आपकी कैद में हैं, वो मुझे खत लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि आपने उन्हें कुरान दी है, उन्हें चारपाई मिली है, जबकि आपके सैनिक जमीन पर सोते हैं। जब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता जो कहते हैं कि मैं हिंदू खराब होते हैं, हो सकता है सैम बहादुर में हमें यह किस्सा की शॉर्ट में दिखाया, लेकिन देखते ही कि मूवी में कौन कौन से पार्ट दिखाए जाते हैं। वैसे आप सैम बहादुर फिल्म को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सन 1942 के दौरान वर्मा के मोर्चे पर एक भारतीय सिपाही को एक जापानी सिपाही ने अपनी मशीन गन से 7 गोलियां मारी। गोलियां भारतीय जवान की आंतों, जिगर और गुर्दों में उतर गईं। जवान गिर पड़ा, उसे मृत समझ लिया गया, किंतु उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो जवान इतने गंभीर रूप से घायल हो चुका था कि उसके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उसके सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि उसके मरने के बाद उसे मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जा सकता था। वो जवान इस तरह से घायल हो चुका था कि उसे उसी हालात में छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। उसे साथ लेकर पीछे हटने पर बटालियन की गति धीमी पड़ जाती, लेकिन यह बात उस जवान के अर्दली को मंजूर नहीं थी। उसने जवान को कंधे पर उठा लिया और पीछे चल पड़ा। इस जवान की हालत को देखकर सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्हें इसका इलाज करना समय की बर्बादी लग रहा था। इतने में वो अर्दली को जवान का घायल शरीर उठाकर वहां तक लाया था, ने अपनी राइफल तान कर डॉक्टर से कहा, हम अपने अफसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठा कर लाए हैं, हम नहीं चाहेंगे कि वह हमारे सामने इसलिए मर जाए क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया, आप उनका इलाज करिए नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। डॉक्टर का मन अब भी नहीं मान रहा था, मगर सामने एक जुनूनी इंसान उस पर राइफल ताने खड़ा था, इसलिए अनमने मन से उसने जवान के शरीर में धंसी हुई गोलियां निकाली और उसकी आंत का क्षतिग्रस्त हिस्सा काट कर हटा दिया। इतना करने के बाद भी डॉक्टर को जरा से उम्मीद नहीं थी कि वह जवान बचेगा, लेकिन उस जवान को अभी मरना नहीं था, यही कारण था कि वो आश्चर्यजनक रूप से बच गया। स्थिति थोड़ी समान होते ही उस जवान को पहले मांडले ले जाया गया, फिर रंगून और फिर वापस भारत लाया गया।
सात गोलियां खाने के बाद भी जीने की जिद पर अड़ा हुआ यह जवान था लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्सा, वही सैम मनेक्सा जिन्हें 1971 में इंडो पाक युद्ध का हीरो कहा जाता है, और उनका अर्दली जो उन्हें बचा के लाया था उसका नाम सूबेदार शेर था। अगर उस दिन शेर सिंह ने हिम्मत और लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्सा के प्रति अपना समर्पण न दिखाया होता तो शायद हमें एक ऐसा सैनिक अफसर न मिलता जो दुश्मनों या हुक्मरानों के सामने सही बात बोलते हुए जरा से भी हिचक महसूस नहीं होने देता था। 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सैम मनेक्सा का पूरा नाम सैम हेमूर सजी फ्रेम सी चश्मेद सी मनेक्सा, लेकिन उनका पूरा नाम शायद ही किसी को याद हो। उनके साथ अफसर हो या उनके परिवार वाले, यहाँ तक कि उनके अभिभावक तक उन्हें सैम या सैम बहादुर ही कहकर पुकारते थे। सैम मनेक्सा ने करीब 4 दशक फौज में गुजारे और इस दौरान 5 युद्ध में हिस्सा लिया। फौजी के रूप में उन्हें अपनी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया आर्मी से की थी। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। 1971 की जंग में उनकी बड़ी भूमिका रही। इस जंग में भारतीय फौज की जीत का खाका भी खुद मनेक्सा ने ही खींचा था। 1972 में चीन के युद्ध हारने के बाद सैम को बिजी कौल के स्थान पर 4th कोर की कमान सौंपी गई। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, यह आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। अनुशासन या सैनिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच संबंधों की बात आने पर सैम कोई समझौता नहीं करते थे। सैम अपनी यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर बड़ी समझौता नहीं करते थे। सैम अपने यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर कभी समझौता नहीं करते थे, भले ही सामने कोई बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना बैठा हो। वो अपनी बात कहने में कभी नहीं डरते थे। एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी। रक्षा सचिव हरीश सरीन भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ बैठे कर्नल से कहा, यू देयर ओपन द विंडो। वह कर्नल उठने लगा, तभी सैम ने कमरे में प्रवेश किया। रक्षा सचिव की तरफ से मुड़े और बोले, सचिव महोदय, आइंदा से आप मेरे किसी भी अफसर से इस टोन की बात नहीं करेंगे। यह अफसर कर्नल है, यू देयर नहीं। उस जमाने की बहुत शक्तिशाली ICS अफसर हरीश सरीन को उनसे माफी मांगनी पड़ी। अपनी बात को लेकर सैम कभी पीछे नहीं हटे, भले ही सामने कोई भी हो। 1971 की लड़ाई की है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वह मार्च में ही पाकिस्तान पर हमला कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनके कारण यही था कि उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि भारतीय सेना अभी हमले के लिए तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुई। मनेकसा ने पूछा कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं। उन्होंने कहा हाँ। इस पर मनेकसा ने कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीत आपकी होगी। सैम के लिए इससे गर्व की बात यह नहीं थी कि भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। उनके लिए सबसे बड़ा क्षण तब था जब युद्ध बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिक ने स्वीकार किया कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। ऐसे देश ऐसे वीर सपूत के बारे में आने वाली नस्लों को बताया जाना बेहद जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनके कारण आज भारत विश्व में शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा है। हमें इनकी स्मृतियों और बहादुरी के किस्सों को अनमोल विरासत की तरह सहेजने की आवश्यकता है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर का टीजर रिलीज हो गया था। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इसका टीजर आते ही दर्शकों में उत्साह भर गया है। फिल्म के टीजर में विकी कौशल के दमदार अभिनय की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यह फिल्म धमाल मचा सकती है। सैम बहादुर में भी विकी कौशल भारतीय सेना की वर्दी पहने टीजर में नजर आ रहे हैं। फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकसा का किरदार निभाते दिखेंगे। ये फिल्म भी रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है। टीजर में विकी कौशल दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। टीजर में फातिमा सना शेख पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अवतार में नजर आ रही हैं। सैम बहादुर के टीजर की खास बात यह है कि इसमें देशभक्ति से भरपूर एक से एक डायलॉग मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर फैंस सैम बहादुर के इस टीजर का काफ़ी पसंद किया जा रहा है। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकसा के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकसा ने
1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें कि सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में है। उनकी पत्नी के किरदार में सन्या मल्होत्रा नजर आ रही हैं। वही फातिमा सना शेख इंदिरा गांधी के किरदार में है। फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। टीजर में विकी के अलावा फातिमा सना शेख दमदार अवतार में दिखी हैं। वही सन्या मल्होत्रा की सिर्फ एक झलक देखने को पाएंगे। टीजर सामने आने के बाद अब हर कोई विकी कौशल की सैम बहादुर की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गौर करें इस मूवी की रिलीज डेट की तरफ को 1 दिसंबर 2023 को डायरेक्टर मेघना गुलजार की यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मालूम होगी विकी कौशल की सैम बहादुर का बॉक्स ऑफिस क्लैश रणबीर कपूर स्टारर एनिमल से होगा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जोश भरने वाले विकी कौशल जल्द ही एक बार फिर पर्दे पर आर्मी यूनिफॉर्म पहने नजर आएंगे। अभिनेता मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म सैम बहादुर से दर्शकों के दिलों में फिर एक बार वही जोश भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म की रिलीज डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे इसको लेकर नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विकी कौशल ने फिल्म की शूटिंग आर्मी के असली जवानों के साथ की है। साल 1971 के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ का किरदार निभाते नजर आए थे। जिस दिन से फिल्म का ऐलान हुआ था उसी दिन से दर्शक इसका इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को लेकर आज कुछ ऐसा सामने आया है जो सभी में फिल्म का बज बढ़ा देगा। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में विकी कौशल ने शूटिंग जूनियर आर्टिस्ट के साथ नहीं बल्कि डिफेंस फोर्स में काम करने वाले और रक्षा बल के लोगों के साथ की है। रिपोर्ट में इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया गया है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मेघना फिल्म की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना चाहती थी और बायोपिक में चीज़ों को प्रमाणिक रखना चाहती थी। वह किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। सैम बहादुर की बात करें तो फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकशॉ ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विकी कौशल के साथ सन्या मल्होत्रा और फातिमा सना शेख मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा में थी। फैंस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं दर्शकों के एक्साइटमेंट को दोगुना करने के लिए मेकर्स ने फिल्म का टीजर जारी कर दिया था। 1 मिनट 26 सेकंड का यह टीजर बेहद दमदार नजर आ रहा है। एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इस डायलॉग के साथ शुरू होता है सैम बहादुर का दमदार टीजर। टीजर में फिल्म के हीरो विकी कौशल दमदार अभिनय में नजर आ रहे हैं। विकी कौशल एक इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल के किरदार में खूब जज रहे हैं। टीजर में सैम बहादुर की दमदार डायलॉग डिलीवरी से लेकर शानदार अभिनय तक सभी काबिले तारीफ है। वही टीजर में फातिमा सना शेख की भी छोटी सी झलक देखने को मिली, जो फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल अदा कर रही हैं। वही सन्या मल्होत्रा ने भी अच्छा काम किया है। बता दें कि बीते दिन फिल्म के नए पोस्टर के साथ विकी कौशल ने फिल्म के टीजर की घोषणा की थी, तभी से फिल्म के टीजर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सैम बहादुर की कहानी साल 1971 के दौरान हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की है। इस जंग के दौरान भारत के पहले फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ सैम मनेकशॉ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह फिल्म इन्हीं की कहानी पर आधारित है। बता दें कि फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अपना जान पर खेलकर देश की रक्षा की थी। सैम बहादुर मनेकशॉ में 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं, लेकिन आज हम आपको 1971 के युद्ध खत्म होने की बात बताएंगे। 1971 युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान में हजारों युद्ध बंदियों को भारत लाया गया, पर उनके लिए बंदी शिविर बनाई जाएगी। मनेकशॉ सभी शिविरों में जाते हैं और युद्ध बंदियों से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। युद्ध बंदियों में एक पाकिस्तानी कर्नल भी थे। उनसे मनेकशॉ से कहा, सर अगर आप एक कुरान की प्रति
दिलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मनेक्शा ने राजपुताना राइफल्स में एक आदमी भिजवाया जहां एक मुस्लिम टुकड़ी थी। उनसे कुरान लेकर मनेक्शा से शाम होने से पहले ही पाक करने तक पहुंचा दी। उनके व्यवहार को देखकर एक पाकिस्तानी कर्नल बहुत ही प्रभावित हुए और उनसे बोले, मैं आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे अफसोस है कि आप मेरी कमांडर नहीं हैं। मैं एक दूसरे मौके पर मनेक्शा ने जब एक पाकिस्तानी जवान के कंधे पर हाथ रखकर उनका हालचाल पूछा तो लगभग रोते हुए बोला, अपनी सेना के जनरलों तो हम बस दूर से ही देख सकते थे, वो कभी सैनिक के इस तरह रूबरू होकर बात नहीं किया करते थे। इन युद्धवादियों को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी दुष्प्रचार चलता था कि अगर भारत उन्हें खाना नहीं दिया कि भारत में उन्हें खाना नहीं दिया जाता। ऐसे में एक रोज मनेक्शा के साथ एक घटना हुई जिसने इस झूठी की पोल खोल दी। हुआ यूं कि लाहौर में आर्मी चीफ की मीटिंग हुई, इसमें हिंदुस्तान से जनरल मनेक्शा को भी आमंत्रित किया गया। पाकिस्तानी फौज में लाहौर गवर्नर हाउस ने भोजन का आयोजन किया था। भोजन के बाद मनेक्शा को बताया गया कि गवर्नर हाउस के कर्मचारी उनसे मिलना चाहते हैं। मनेक्शा मिलने पहुंचे तो एक पाकिस्तानी कर्मचारी ने अपना साफा उतार कर सैम के कदमों में रख दिया। जब उन्होंने इसका कारण पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उस आदमी ने जवाब दिया कि सर, मेरे पांच लड़के आपकी कैद में हैं, वो मुझे खत लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि आपने उन्हें कुरान दी है, उन्हें चारपाई मिली है, जबकि आपके सैनिक जमीन पर सोते हैं। जब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता जो कहते हैं कि मैं हिंदू खराब होते हैं, हो सकता है सैम बहादुर में हमें यह किस्सा की शॉर्ट में दिखाया, लेकिन देखते ही कि मूवी में कौन कौन से पार्ट दिखाए जाते हैं। वैसे आप सैम बहादुर फिल्म को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सन 1942 के दौरान वर्मा के मोर्चे पर एक भारतीय सिपाही को एक जापानी सिपाही ने अपनी मशीन गन से 7 गोलियां मारी। गोलियां भारतीय जवान की आंतों, जिगर और गुर्दों में उतर गईं। जवान गिर पड़ा, उसे मृत समझ लिया गया, किंतु उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो जवान इतने गंभीर रूप से घायल हो चुका था कि उसके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उसके सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि उसके मरने के बाद उसे मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जा सकता था। वो जवान इस तरह से घायल हो चुका था कि उसे उसी हालात में छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। उसे साथ लेकर पीछे हटने पर बटालियन की गति धीमी पड़ जाती, लेकिन यह बात उस जवान के अर्दली को मंजूर नहीं थी। उसने जवान को कंधे पर उठा लिया और पीछे चल पड़ा। इस जवान की हालत को देखकर सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्हें इसका इलाज करना समय की बर्बादी लग रहा था। इतने में वो अर्दली को जवान का घायल शरीर उठाकर वहां तक लाया था। ने अपनी राइफल तान कर डॉक्टर से कहा, हम अपने अफसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठा कर लाए हैं, हम नहीं चाहेंगे कि वह हमारे सामने इसलिए मर जाए क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया, आप उनका इलाज करिए नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। डॉक्टर का मन अब भी नहीं मान रहा था, मगर सामने एक जुनूनी इंसान उस पर राइफल ताने खड़ा था, इसलिए अनमने मन से उसने जवान के शरीर में धंसी हुई गोलियां निकाली और उसकी आंत का क्षतिग्रस्त हिस्सा काट कर हटा दिया। इतना करने के बाद भी डॉक्टर को जरा से उम्मीद नहीं थी कि वह जवान बचेगा, लेकिन उस जवान को अभी मरना नहीं था, यही कारण था कि वो आश्चर्यजनक रूप से बच गया। स्थिति थोड़ी समान होते ही उस जवान को पहले मांडले ले जाया गया, फिर रंगून और फिर वापस भारत लाया गया। 7 गोलियां खाने के बाद भी जीने की जिद पर अड़ा हुआ यह जवान था लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्शा, वही सैम मनेक्शा जिन्हें 1971 में इंडो पाक युद्ध का हीरो कहा जाता है, और उनका अर्दली जो उन्हें बचा के लाया था उसका नाम सूबेदार शेर था। अगर उस दिन शेर सिंह ने हिम्मत और लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्शा के प्रति अपना समर्पण न दिखाया होता तो शायद हमें एक ऐसा सैनिक अफसर न मिलता जो दुश्मनों या हुक्मरानों के सामने सही बात बोलते हुए जरा से भी हिचक महसूस नहीं होने देता था। 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सैम मनेक्शा का पूरा नाम सैम हेमूर सजी प्रेम सी चश्मेद सी मनेक्शा, लेकिन उनका पूरा नाम शायद ही किसी को याद हो। उनके साथ अफसर हो या उनके परिवार वाले, यहाँ तक कि उनके अभिभावक तक उन्हें सैम या सैम बहादुर ही कहकर पुकारते थे। सैम मनेक्शा ने करीब 4 दशक फौज में गुजारे और इस दौरान 5 युद्ध में हिस्सा लिया। फौजी के रूप में उन्हें अपनी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया आर्मी से की थी। इसके बाद
दूसरे विश्व युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। 1971 की जंग में उनकी बड़ी भूमिका रही। इस जंग में भारतीय फौज की जीत का खाका भी खुद मनेक्शा ने ही खींचा था। 1972 में चीन के युद्ध हारने के बाद सैम को बिजी कौल के स्थान पर चौथी कोर की कमान सौंपी गई। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, यह आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। अनुशासन या सैनिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच संबंधों की बात आने पर सैम कोई समझौता नहीं करते थे। सैम अपनी यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर बड़ी समझौता नहीं करते थे। सैम अपने यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर कभी समझौता नहीं करते थे, भले ही सामने कोई बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना बैठा हो। वो अपनी बात कहने में कभी नहीं डरते थे। एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी। रक्षा सचिव हरीश सरीन भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ बैठे कर्नल से कहा, यू देयर ओपन द विंडो। वह कर्नल उठने लगा, तभी सैम ने कमरे में प्रवेश किया। रक्षा सचिव की तरफ से मुड़े और बोले, सचिव महोदय, आइंदा से आप मेरे किसी भी अफसर से इस टोन की बात नहीं करेंगे। यह अफसर कर्नल है, यू देयर नहीं। उस जमाने की बहुत शक्तिशाली ICS अफसर हरीश सरीन को उनसे माफी मांगनी पड़ी। अपनी बात को लेकर सैम कभी पीछे नहीं हटे, भले ही सामने कोई भी हो। वह 1971 की लड़ाई की है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वह मार्च में ही पाकिस्तान पर हमला कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनके कारण यही था कि उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि भारतीय सेना अभी हमले के लिए तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुई। मनेकशा ने पूछा कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं। उन्होंने कहा, हाँ। इस पर मनेकशा ने कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीत आपकी होगी। सैम के लिए इससे गर्व की बात यह नहीं थी कि भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। उनके लिए सबसे बड़ा क्षण तब था जब युद्ध बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिक ने स्वीकार किया कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। ऐसे देश ऐसे वीर सपूत के बारे में आने वाली नस्लों को बताया जाना बेहद जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनके कारण आज भारत विश्व में शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा है। हमें इनकी स्मृतियों और बहादुरी के किस्सों को अनमोल विरासत की तरह सहेजने की आवश्यकता है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर का टीजर रिलीज हो गया था। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इसका टीजर आते ही दर्शकों में उत्साह भर गया है। फिल्म के टीजर में विकी कौशल के दमदार अभिनय की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यह फिल्म धमाल मचा सकती है। सैम बहादुर में भी विकी कौशल भारतीय सेना की वर्दी पहने टीजर में नजर आ रहे हैं। फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकशा का किरदार निभाते दिखेंगे। ये फिल्म भी रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है। टीजर में विकी कौशल दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। टीजर में फातिमा सना शेख पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अवतार में नजर आ रही हैं। सैम बहादुर के टीजर की खास बात यह है कि इसमें देशभक्ति से भरपूर एक से एक डायलॉग मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर फैंस सैम बहादुर के इस टीजर का काफ़ी पसंद किया जा रहा है। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकशा के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकशा ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें कि सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं। उनकी पत्नी के किरदार में सन्या मल्होत्रा नजर आ रही हैं। वही फातिमा सना शेख इंदिरा गांधी के किरदार में हैं। फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। टीजर में विकी के अलावा फातिमा सना शेख दमदार अवतार में दिखी हैं। वही सन्या मल्होत्रा की सिर्फ एक झलक देखने को पाएंगे। टीजर सामने आने के बाद अब हर कोई विकी कौशल की सैम बहादुर की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गौर करें, इस मूवी की रिलीज डेट की तरफ को 1 दिसंबर 2023 को डायरेक्टर मेघना गुलजार की यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मालूम हो कि विकी कौशल की सैम बहादुर का बॉक्स ऑफिस क्लैश रणबीर कपूर स्टारर एनिमल से होगा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जोश भरने वाले विकी कौशल जल्द ही एक बार फिर पर्दे पर आर्मी यूनिफॉर्म पहने नजर आएंगे। अभिनेता मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म सैम बहादुर से दर्शकों के दिलों में फिर एक बार वही जोश भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म की रिलीज डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे इसको लेकर नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विकी कौशल ने फिल्म की शूटिंग आर्मी के असली जवानों के साथ की है। साल 1971 के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकशा का किरदार निभाते नजर आए थे।
जिस दिन से फिल्म का ऐलान हुआ था उसी दिन से दर्शक इसका इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को लेकर आज कुछ ऐसा सामने आया है जो सभी में फिल्म का बज बढ़ा देगा। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में विकी कौशल ने शूटिंग जूनियर आर्टिस्ट के साथ नहीं बल्कि डिफेंस फोर्स में काम करने वाले और रक्षा बल के लोगों के साथ की है। रिपोर्ट में इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया गया है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मेघना फिल्म की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना चाहती थी और बायोपिक में चीज़ों को प्रमाणिक रखना चाहती थी। वह किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। सैम बहादुर की बात करें तो फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेक्सा का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेक्सा के जीवन पर आधारित है। सैम मनेक्सा ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विकी कौशल के साथ संजय मल्होत्रा और फातिमा सना शेख मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा में थी। फैंस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं दर्शकों के एक्साइटमेंट को दोगुना करने के लिए मेकर्स ने फिल्म का टीजर जारी कर दिया था। 1 मिनट 26 सेकंड का यह टीजर बेहद दमदार नजर आ रहा है। एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इस डायलॉग के साथ शुरू होता है सैम बहादुर का दमदार टीजर। टीजर में फिल्म के हीरो विकी कौशल दमदार अभिनय में नजर आ रहे हैं। विकी कौशल एक इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल के किरदार में खूब जज रहे हैं। टीजर में सैम बहादुर की दमदार डायलॉग डिलीवरी से लेकर शानदार अभिनय तक सभी काबिले तारीफ है। वही टीजर में फातिमा सना शेख की भी छोटी सी झलक देखने को मिली जो फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल अदा कर रही हैं। वही संन्या मल्होत्रा ने भी अच्छा काम किया है। बता दें कि बीते दिन फिल्म के नए पोस्टर के साथ विकी कौशल ने फिल्म के टीजर की घोषणा की थी। तभी से फिल्म के टीजर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सैम बहादुर की कहानी साल 1971 के दौरान हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की है। इस जंग के दौरान भारत के पहले फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ सैम मनेकशा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह फिल्म इन्हीं की कहानी पर आधारित है। बता दें कि फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अपना जान पर खेलकर देश की रक्षा की थी। सैम बहादुर मनेकशा में 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं, लेकिन आज हम आपको 1971 के युद्ध खत्म होने की बात बताएंगे। 1971 युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान में हजारों युद्ध बंदियों को भारत लाया गया, पर उनके लिए बंदी शिविर बनाई जाएगी। मनेकशा सभी शिविरों में जाते हैं और युद्ध बंदियों से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। युद्ध बंदियों में एक पाकिस्तानी कर्नल भी थे। उनसे मनेकशा से कहा, सर अगर आप एक कुरान की प्रति दिलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मनेकशा ने राजपुताना राइफल्स में एक आदमी भिजवाया जहां एक मुस्लिम टुकड़ी थी। उनसे कुरान लेकर मनेकशा से शाम होने से पहले ही पाक करने तक पहुंचा दी। उनके व्यवहार को देखकर एक पाकिस्तानी कर्नल बहुत ही प्रभावित हुए और उनसे बोले, मैं आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे अफसोस है कि आप मेरी कमांडर नहीं हैं। मैं एक दूसरे मौके पर मनेकशा ने जब एक पाकिस्तानी जवान के कंधे पर हाथ रखकर उनका हालचाल पूछा तो लगभग रोते हुए बोला, अपनी सेना के जनरलों तो हम बस दूर से ही देख सकते थे, वो कभी सैनिक के इस तरह रूबरू होकर बात नहीं किया करते थे। इन युद्धवादियों को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी दुष्प्रचार चलता था कि अगर भारत उन्हें खाना नहीं दिया कि भारत में उन्हें खाना नहीं दिया जाता। ऐसे में एक रोज मनेकशा के साथ एक घटना हुई जिसने इस झूठी की पोल खोल दी। हुआ यूं कि लाहौर में आर्मी चीफ की मीटिंग हुई। इसमें हिंदुस्तान से जनरल मनेकशा को भी आमंत्रित किया गया। पाकिस्तानी फौज में लाहौर गवर्नर हाउस ने भोजन का आयोजन किया था। भोजन के बाद मनेकशा को बताया गया कि गवर्नर हाउस के कर्मचारी उनसे मिलना चाहते हैं। मनेकशा मिलने पहुंचे तो एक पाकिस्तानी कर्मचारी ने अपना साफा अवतार कर सैम के कदमों में रख दिया। जब उन्होंने इसका कारण पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उस आदमी ने जवाब दिया कि सर मेरे 5 लड़के आपकी कैद में हैं, वो मुझे खत लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि आपने उन्हें कुरान दी है, उन्हें चारपाई मिली है, जबकि आपके सैनिक जमीन पर सोते हैं। जब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता जो कहते हैं कि मैं हिंदू खराब होते हैं
हो सकता है सैम बहादुर में हमें यह किस्सा की शॉर्ट में दिखाया, लेकिन देखते ही कि मूवी में कौन कौन से पार्ट दिखाए जाते हैं। वैसे आप सैम बहादुर फिल्म को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सन 1942 के दौरान वर्मा के मोर्चे पर एक भारतीय सिपाही को एक जापानी सिपाही ने अपनी मशीन गन से 7 गोलियां मारी। गोलियां भारतीय जवान की आंतों, जिगर और गुर्दों में उतर गईं। जवान गिर पड़ा, उसे मृत समझ लिया गया, किंतु उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो जवान इतने गंभीर रूप से घायल हो चुका था कि उसके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उसके सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि उसके मरने के बाद उसे मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जा सकता था। वो जवान इस तरह से घायल हो चुका था कि उसे उसी हालात में छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। उसे साथ लेकर पीछे हटने पर बटालियन की गति धीमी पड़ जाती, लेकिन यह बात उस जवान के अर्दली को मंजूर नहीं थी। उसने जवान को कंधे पर उठा लिया और पीछे चल पड़ा। इस जवान की हालत को देखकर सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्हें इसका इलाज करना समय की बर्बादी लग रहा था। इतने में वो अर्दली को जवान का घायल शरीर उठाकर वहां तक लाया था। ने अपनी राइफल तान कर डॉक्टर से कहा, हम अपने अफसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठा कर लाए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि वह हमारे सामने इसलिए मर जाए क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया। आप उनका इलाज करिए, नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। डॉक्टर का मन अब भी नहीं मान रहा था, मगर सामने एक जुनूनी इंसान उस पर राइफल ताने खड़ा था, इसलिए अनमने मन से उसने जवान के शरीर में धंसी हुई गोलियाँ निकाली और उसकी आंत का क्षतिग्रस्त हिस्सा काट कर हटा दिया। इतना करने के बाद भी डॉक्टर को जरा से उम्मीद नहीं थी कि वह जवान बचेगा, लेकिन उस जवान को अभी मरना नहीं था। यही कारण था कि वो आश्चर्यजनक रूप से बच गया। स्थिति थोड़ी समान होते ही उस जवान को पहले मांडले ले जाया गया, फिर रंगून और फिर वापस भारत लाया गया। 7 गोलियां खाने के बाद भी जीने की जिद पर अड़ा हुआ यह जवान था लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्शॉ। वही सैम मनेक्शॉ जिन्हें 1971 में इंडो पाक युद्ध का हीरो कहा जाता है, और उनका अर्दली जो उन्हें बचा के लाया था उसका नाम सूबेदार शेर था। अगर उस दिन शेर सिंह ने हिम्मत और लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्शॉ के प्रति अपना समर्पण न दिखाया होता तो शायद हमें एक ऐसा सैनिक अफसर न मिलता जो दुश्मनों या हुक्मरानों के सामने सही बात बोलते हुए जरा से भी हिचक महसूस नहीं होने देता था। 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सैम मनेक्शॉ का पूरा नाम सैम हेमूर सजी प्रेम सिंह जसमेत सिंह मनेक्शॉ, लेकिन उनका पूरा नाम शायद ही किसी को याद हो। उनके साथ अफसर हो या उनके परिवार वाले, यहाँ तक कि उनके अभिभावक तक उन्हें सैम या सैम बहादुर ही कहकर पुकारते थे। सैम मनेक्शॉ ने करीब 4 दशक फौज में गुजारे और इस दौरान 5 युद्ध में हिस्सा लिया। फौजी के रूप में उन्हें अपनी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया आर्मी से की थी। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। 1971 की जंग में उनकी बड़ी भूमिका रही। इस जंग में भारतीय फौज की जीत का खाका भी खुद मनेक्शॉ ने ही खींचा था। 1972 में चीन के युद्ध हारने के बाद सैम को बिजी कौल के स्थान पर 4th कोर की कमान सौंपी गई। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, यह आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। अनुशासन या सैनिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच संबंधों की बात आने पर सैम कोई समझौता नहीं करते थे। सैम अपनी यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर बड़ी समझौता नहीं करते थे। सैम अपने यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर कभी समझौता नहीं करते थे, भले ही सामने कोई बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना बैठा हो। वो अपनी बात कहने में कभी नहीं डरते थे। एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी। रक्षा सचिव हरीश सरीन भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ बैठे कर्नल से कहा, यू देयर ओपन द विंडो। वह कर्नल उठने लगा, तभी सैम ने कमरे में प्रवेश किया, रक्षा सचिव की तरफ से मुड़े और बोले, सचिव महोदय, आइंदा से आप मेरे किसी भी अफसर से इस टोन की बात नहीं करेंगे। यह अफसर कर्नल है, यू देयर नहीं। उस जमाने की बहुत शक्तिशाली ICS अफसर हरीश सरीन को उनसे माफी मांगनी पड़ी। अपनी बात को लेकर सैम कभी पीछे नहीं हटे, भले ही सामने कोई भी हो।
1971 की लड़ाई की है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वह मार्च में ही पाकिस्तान पर हमला कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनके कारण यही था कि उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि भारतीय सेना अभी हमले के लिए तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुई। मनेकशा ने पूछा कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं। उन्होंने कहा हाँ। इस पर मनेकशा ने कहा मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीत आपकी होगी। सैम के लिए इससे गर्व की बात यह नहीं थी कि भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। उनके लिए सबसे बड़ा क्षण तब था जब युद्ध बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिक ने स्वीकार किया कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। ऐसे देश ऐसे वीर सपूत के बारे में आने वाली नस्लों को बताया जाना बेहद जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनके कारण आज भारत विश्व में शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा है। हमें इनकी स्मृतियों और बहादुरी के किस्सों को अनमोल विरासत की तरह सहेजने की आवश्यकता है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर का टीजर रिलीज हो गया था। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इसका टीजर आते ही दर्शकों में उत्साह भर गया है। फिल्म के टीजर में विकी कौशल के दमदार अभिनय की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यह फिल्म धमाल मचा सकती है। सैम बहादुर में भी विकी कौशल भारतीय सेना की वर्दी पहने टीजर में नजर आ रहे हैं। फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकशा का किरदार निभाते दिखेंगे। ये फिल्म भी रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है। टीजर में विकी कौशल दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। टीजर में फातिमा सना शेख पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अवतार में नजर आ रही हैं। सैम बहादुर के टीजर की खास बात यह है कि इसमें देशभक्ति से भरपूर एक से एक डायलॉग मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर फैंस सैम बहादुर के इस टीजर का काफ़ी पसंद किया जा रहा है। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकशा के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकशा ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें कि सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं। उनकी पत्नी के किरदार में सन्या मल्होत्रा नजर आ रही हैं। वही फातिमा सना शेख इंदिरा गांधी के किरदार में हैं। फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। टीजर में विकी के अलावा फातिमा सना शेख दमदार अवतार में दिखी हैं। वही सन्या मल्होत्रा की सिर्फ एक झलक देखने को पाएंगे। टीजर सामने आने के बाद अब हर कोई विकी कौशल की सैम बहादुर के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गौर करें इस मूवी की रिलीज डेट की तरफ को 1 दिसंबर 2023 को डायरेक्टर मेघना गुलजार की यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मालूम हो कि विकी कौशल की सैम बहादुर का बॉक्स ऑफिस क्लैश रणबीर कपूर स्टारर एनिमल से होगा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जोश भरने वाले विकी कौशल जल्द ही एक बार फिर पर्दे पर आर्मी यूनिफॉर्म पहने नजर आएंगे। अभिनेता मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म सैम बहादुर से दर्शकों के दिलों में फिर एक बार वही जोश भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म की रिलीज डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे इसको लेकर नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विकी कौशल ने फिल्म की शूटिंग आर्मी के असली जवानों के साथ की है। साल 1971 के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकशा का किरदार निभाते नजर आए थे। जिस दिन से फिल्म का ऐलान हुआ था उसी दिन से दर्शक इसका इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को लेकर आज कुछ ऐसा सामने आया है जो सभी में फिल्म का बज बढ़ा देगा। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में विकी कौशल ने शूटिंग जूनियर आर्टिस्ट के साथ नहीं बल्कि डिफेंस फोर्स में काम करने वाले और रक्षा बल के लोगों के साथ की है। रिपोर्ट में इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया गया है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मेघना फिल्म की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना चाहती थी और बायोपिक में चीज़ों को प्रमाणिक रखना चाहती थी। वह किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। सैम बहादुर की बात करें तो फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकशा का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकशा के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकशा ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विकी कौशल के साथ संजय मल्होत्रा और फातिमा सना शेख मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा में थी। फैंस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं दर्शकों के एक्साइटमेंट को दोगुना करने के लिए मेकर्स ने फिल्म का टीजर
टीजर जारी कर दिया था। 1:26 का यह टीजर बेहद दमदार नजर आ रहा है। एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इस डायलॉग के साथ शुरू होता है सैम बहादुर का दमदार टीजर। टीजर में फिल्म के हीरो विकी कौशल दमदार अभिनय में नजर आ रहे हैं। विकी कौशल एक इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल के किरदार में खूब जज रहे हैं। टीजर में सैम बहादुर की दमदार डायलॉग डिलीवरी से लेकर शानदार अभिनय तक सभी काबिले तारीफ है। वही टीजर में फातिमा सना शेख की भी छोटी सी झलक देखने को मिली, जो फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल अदा कर रही हैं। वही सन्या मल्होत्रा ने भी अच्छा काम किया है। बता दें कि बीते दिन फिल्म के नए पोस्टर के साथ विकी कौशल ने फिल्म के टीजर की घोषणा की थी, तभी से फिल्म के टीजर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सैम बहादुर की कहानी साल 1971 के दौरान हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की है। इस जंग के दौरान भारत के पहले फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ सैम मनेकशॉ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह फिल्म इन्हीं की कहानी पर आधारित है। बता दें कि फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अपना जान पर खेलकर देश की रक्षा की थी। सैम बहादुर मनोकशॉ में 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं, लेकिन आज हम आपको 1971 के युद्ध खत्म होने की बात बताएंगे। 1971 युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान में हजारों युद्ध बंदियों को भारत लाया गया, पर उनके लिए बंदी शिविर बनाई जाएगी। मनोकशॉ सभी शिविरों में जाते हैं और युद्ध बंदियों से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। युद्ध बंदियों में एक पाकिस्तानी कर्नल भी थे। उनसे मनेकशॉ से कहा, सर अगर आप एक कुरान की प्रति दिलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मनेकशॉ ने राजपुताना राइफल्स में एक आदमी भिजवाया जहां एक मुस्लिम टुकड़ी थी। उनसे कुरान लेकर मनेकशॉ से शाम होने से पहले ही पाक करने तक पहुंचा दी। उनके व्यवहार को देखकर एक पाकिस्तानी कर्नल बहुत ही प्रभावित हुए और उनसे बोले, मैं आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे अफसोस है कि आप मेरी कमांडर नहीं हैं। मैं एक दूसरे मौके पर मनेकशॉ ने जब एक पाकिस्तानी जवान के कंधे पर हाथ रखकर उनका हालचाल पूछा तो लगभग रोते हुए बोला, अपनी सेना के जनरलों तो हम बस दूर से ही देख सकते थे, वो कभी सैनिक के इस तरह रूबरू होकर बात नहीं किया करते थे। इन युद्धवादियों को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी दुष्प्रचार चलता था कि अगर भारत उन्हें खाना नहीं दिया कि भारत में उन्हें खाना नहीं दिया जाता। ऐसे में एक रोज मनोकशॉ के साथ एक घटना हुई जिसने इस झूठी की पोल खोल दी। हुआ यूं कि लाहौर में आर्मी चीफ की मीटिंग हुई, इसमें हिंदुस्तान से जनरल मनेकशॉ को भी आमंत्रित किया गया। पाकिस्तानी फौज में लाहौर गवर्नर हाउस ने भोजन का आयोजन किया था। भोजन के बाद मनेकशॉ को बताया गया कि गवर्नर हाउस के कर्मचारी उनसे मिलना चाहते हैं। मनेकशॉ मिलने पहुंचे तो एक पाकिस्तानी कर्मचारी ने अपना साफा अवतार कर सैम के कदमों में रख दिया। जब उन्होंने इसका कारण पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उस आदमी ने जवाब दिया कि सर मेरे 5 लड़के आपकी कैद में हैं, वो मुझे खत लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि आपने उन्हें कुरान दी है, उन्हें चारपाई मिली है, जबकि आपके सैनिक जमीन पर सोते हैं। जब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता जो कहते हैं कि मैं हिंदू खराब होते हैं, हो सकता है सैम बहादुर में हमें यह किस्सा की शॉर्ट में दिखाया, लेकिन देखते ही कि मूवी में कौन कौन से पार्ट दिखाए जाते हैं। वैसे आप सैम बहादुर फिल्म को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सन 1942 के दौरान वर्मा के मोर्चे पर एक भारतीय सिपाही को एक जापानी सिपाही ने अपनी मशीन गन से 7 गोलियां मारी। गोलियां भारतीय जवान की आंतों, जिगर और गुर्दों में उतर गईं। जवान गिर पड़ा, उसे मृत समझ लिया गया, किंतु उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो जवान इतने गंभीर रूप से घायल हो चुका था कि उसके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उसके सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि उसके मरने के बाद उसे मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जा सकता था। वो जवान इस तरह से घायल हो चुका था कि उसे उसी हालात में छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। उसे साथ लेकर पीछे हटने पर बटालियन की गति धीमी पड़ जाती, लेकिन यह बात उस जवान के अर्दली को मंजूर नहीं थी। उसने जवान को कंधे पर उठा लिया और पीछे चल पड़ा। इस जवान की हालत को देखकर सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्हें इसका इलाज करना समय की बर्बादी लग रहा था। इतने में वो अर्दली को जवान का घायल शरीर उठाकर वहां तक लाया था। ने अपने
अपनी राइफल तान कर डॉक्टर से कहा, हम अपने अफसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठा कर लाए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि वह हमारे सामने इसलिए मर जाए क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया। आप उनका इलाज करिए, नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। डॉक्टर का मन अब भी नहीं मान रहा था, मगर सामने एक जुनूनी इंसान उस पर राइफल ताने खड़ा था, इसलिए अनमने मन से उसने जवान के शरीर में धंसी हुई गोलियाँ निकाली और उसकी आँख का क्षतिग्रस्त हिस्सा काट कर हटा दिया। इतना करने के बाद भी डॉक्टर को जरा से उम्मीद नहीं थी कि वह जवान बचेगा, लेकिन उस जवान को अभी मरना नहीं था। यही कारण था कि वो आश्चर्यजनक रूप से बच गया। स्थिति थोड़ी समान होते ही उस जवान को पहले मांडले ले जाया गया, फिर रंगून और फिर वापस भारत लाया गया। 7 गोलियां खाने के बाद भी जीने की जिद पर अड़ा हुआ यह जवान था लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्सा। वही सैम मनेक्सा जिन्हें 1971 में इंडो पाक युद्ध का हीरो कहा जाता है, और उनका अर्दली जो उन्हें बचा के लाया था उसका नाम सूबेदार शेर था। अगर उस दिन शेर सिंह ने हिम्मत और लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्सा के प्रति अपना समर्पण न दिखाया होता तो शायद हमें एक ऐसा सैनिक अफसर न मिलता जो दुश्मनों या हुक्मरानों के सामने सही बात बोलते हुए जरा से भी हिचक महसूस नहीं होने देता था। 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सैम मनेक्सा का पूरा नाम सैम हेमोर सजी फ्रेम सी चश्मेद सी मनेक्सा, लेकिन उनका पूरा नाम शायद ही किसी को याद हो। उनके साथ अफसर हो या उनके परिवार वाले, यहाँ तक कि उनके अभिभावक तक उन्हें सैम या सैम बहादुर ही कहकर पुकारते थे। सैम मनेक्सा ने करीब 4 दशक फौज में गुजारे और इस दौरान 5 युद्ध में हिस्सा लिया। फौजी के रूप में उन्हें अपनी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया आर्मी से की थी। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। 1971 की जंग में उनकी बड़ी भूमिका रही। इस जंग में भारतीय फौज की जीत का खाका भी खुद मनेक्सा ने ही खींचा था। 1972 में चीन के युद्ध हारने के बाद सैम को बिजी कौल के स्थान पर 4th कोर की कमान सौंपी गई। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, यह आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। अनुशासन या सैनिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच संबंधों की बात आने पर सैम कोई समझौता नहीं करते थे। सैम अपनी यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर बड़ी समझौता नहीं करते थे। सैम अपने यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर कभी समझौता नहीं करते थे, भले ही सामने कोई बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना बैठा हो। वो अपनी बात कहने में कभी नहीं डरते थे। एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी। रक्षा सचिव हरीश सरीन भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ बैठे कर्नल से कहा, यू देयर ओपन द विंडो। वह कर्नल उठने लगा, तभी सैम ने कमरे में प्रवेश किया, रक्षा सचिव की तरफ से मुड़े और बोले, सचिव महोदय, आइंदा से आप मेरे किसी भी अफसर से इस टोन की बात नहीं करेंगे। यह अफसर कर्नल है, यू देयर नहीं। उस जमाने की बहुत शक्तिशाली ICS अफसर हरीश सरीन को उनसे माफी मांगनी पड़ी। अपनी बात को लेकर सैम कभी पीछे नहीं हटे, भले ही सामने कोई भी हो। 1971 की लड़ाई की है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वह मार्च में ही पाकिस्तान पर हमला कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनके कारण यही था कि उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि भारतीय सेना अभी हमले के लिए तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुई। मनेकसा ने पूछा कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं। उन्होंने कहा हाँ। इस पर मनेकसा ने कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीत आपकी होगी। सैम के लिए इससे गर्व की बात यह नहीं थी कि भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। उनके लिए सबसे बड़ा क्षण तब था जब युद्ध बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिक ने स्वीकार किया कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। ऐसे देश ऐसे वीर सपूत के बारे में आने वाली नस्लों को बताया जाना बेहद जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनके कारण आज भारत विश्व में शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा है। हमें इनकी स्मृतियों और बहादुरी के किस्सों को अनमोल विरासत की तरह सहेजने की आवश्यकता है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर का टीजर रिलीज हो गया था। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इसका टीजर आते ही दर्शकों में उत्साह भर गया है। फिल्म के टीजर में विकी कौशल के दमदार अभिनय की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यह फिल्म धमाल मचा सकती है। सैम बहादुर में भी विकी कौशल भारतीय सेना की वर्दी पहने टीजर में नजर आ रहे हैं। फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल
सैम मनेकसा का किरदार निभाते दिखेंगे। ये फिल्म भी रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है। टीजर में विक्की कौशल दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। टीजर में फातिमा सना शेख पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अवतार में नजर आ रही हैं। सैम बहादुर के टीजर की खास बात यह है कि इसमें देशभक्ति से भरपूर एक से एक डायलॉग मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर फैंस सैम बहादुर के इस टीजर का काफ़ी पसंद किया जा रहा है। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकसा के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकसा ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें कि सैम बहादुर में विक्की कौशल लीड रोल में हैं। उनकी पत्नी के किरदार में सन्या मल्होत्रा नजर आ रही हैं। वही फातिमा सना शेख इंदिरा गांधी के किरदार में हैं। फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। टीजर में विक्की के अलावा फातिमा सना शेख दमदार अवतार में दिखी हैं। वही सन्या मल्होत्रा की सिर्फ एक झलक देखने को पाएंगे। टीजर सामने आने के बाद अब हर कोई विक्की कौशल की सैम बहादुर की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गौर करें इस मूवी की रिलीज डेट की तरफ को 1 दिसंबर 2023 को डायरेक्टर मेघना गुलजार की यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मालूम होगी विक्की कौशल की सैम बहादुर का बॉक्स ऑफिस क्लैश रणबीर कपूर स्टारर एनिमल से होगा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जोश भरने वाले विक्की कौशल जल्द ही एक बार फिर पर्दे पर आर्मी यूनिफॉर्म पहने नजर आएंगे। अभिनेता मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म सैम बहादुर से दर्शकों के दिलों में फिर एक बार वही जोश भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म की रिलीज डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे इसको लेकर नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विक्की कौशल ने फिल्म की शूटिंग आर्मी के असली जवानों के साथ की है। साल 1971 के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म में विक्की कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकसा का किरदार निभाते नजर आए थे। जिस दिन से फिल्म का ऐलान हुआ था उसी दिन से दर्शक इसका इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को लेकर आज कुछ ऐसा सामने आया है जो सभी में फिल्म का बज बढ़ा देगा। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में विक्की कौशल ने शूटिंग जूनियर आर्टिस्ट के साथ नहीं बल्कि डिफेंस फोर्स में काम करने वाले और रक्षा बल के लोगों के साथ की है। रिपोर्ट में इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया गया है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मेघना फिल्म की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना चाहती थी और बायोपिक में चीज़ों को प्रमाणिक रखना चाहती थी। वह किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। सैम बहादुर की बात करें तो फिल्म में विक्की कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकसा का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकसा के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकसा ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विक्की कौशल के साथ संजय मल्होत्रा और फातिमा सना शेख मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। विक्की कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा में थी। फैंस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं दर्शकों के एक्साइटमेंट को दोगुना करने के लिए मेकर्स ने फिल्म का टीजर जारी कर दिया था। 1 मिनट 26 सेकंड का यह टीजर बेहद दमदार नजर आ रहा है। एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इस डायलॉग के साथ शुरू होता है सैम बहादुर का दमदार टीजर। टीजर में फिल्म के हीरो विक्की कौशल दमदार अभिनय में नजर आ रहे हैं। विक्की कौशल एक इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल के किरदार में खूब जज रहे हैं। टीजर में सैम बहादुर की दमदार डायलॉग डिलीवरी से लेकर शानदार अभिनय तक सभी काबिले तारीफ है। वही टीजर में फातिमा सना शेख की भी छोटी सी झलक देखने को मिली, जो फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल अदा कर रही हैं। वही सन्या मल्होत्रा ने भी अच्छा काम किया है। बता दें कि बीते दिन फिल्म के नए पोस्टर के साथ विक्की कौशल ने फिल्म के टीजर की घोषणा की थी, तभी से फिल्म के टीजर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सैम बहादुर की कहानी साल 1971 के दौरान हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की है। इस जंग के दौरान भारत के पहले फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ सैम मनेकसा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह फिल्म इन्हीं की कहानी पर आधारित है। बता दें कि फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अपना जान पर खेलकर देश की रक्षा की थी।
सैम बहादुर मनोकसा में 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें, सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं, लेकिन आज हम आपको 1971 के युद्ध खत्म होने की बात बताएंगे। 1971 युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान में हजारों युद्ध बंदियों को भारत लाया गया, पर उनके लिए बंदी शिविर बनाई जाएगी। मनोकसा सभी शिविरों में जाते हैं और युद्ध बंदियों से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। युद्ध बंदियों में एक पाकिस्तानी कर्नल भी थे, उनसे मनोकसा से कहा, सर अगर आप एक कुरान की प्रति दिलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मनोकसा ने राजपुताना राइफल्स में एक आदमी भिजवाया जहां एक मुस्लिम टुकड़ी थी, उनसे कुरान लेकर मनोकसा से शाम होने से पहले ही पाक करने तक पहुंचा दी। उनके व्यवहार को देखकर एक पाकिस्तानी कर्नल बहुत ही प्रभावित हुए और उनसे बोले, मैं आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे अफसोस है कि आप मेरी कमांडर नहीं हैं। मैं एक दूसरे मौके पर मनोकसा ने जब एक पाकिस्तानी जवान के कंधे पर हाथ रखकर उनका हालचाल पूछा तो लगभग रोते हुए बोला, अपनी सेना के जनरलों तो हम बस दूर से ही देख सकते थे, वो कभी सैनिक के इस तरह रूबरू होकर बात नहीं किया करते थे। इन युद्धवादियों को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी दुष्प्रचार चलता था कि अगर भारत उन्हें खाना नहीं दिया कि भारत में उन्हें खाना नहीं दिया जाता। ऐसे में एक रोज मनोकसा के साथ एक घटना हुई जिसने इस झूठी की पोल खोल दी। हुआ यूं कि लाहौर में आर्मी चीफ की मीटिंग हुई, इसमें हिंदुस्तान से जनरल मनोकसा को भी आमंत्रित किया गया। पाकिस्तानी फौज में लाहौर गवर्नर हाउस ने भोजन का आयोजन किया था। भोजन के बाद मनोकसा को बताया गया कि गवर्नर हाउस के कर्मचारी उनसे मिलना चाहते हैं। मनोकसा मिलने पहुंचे तो एक पाकिस्तानी कर्मचारी ने अपना साफा उतार कर सैम के कदमों में रख दिया। जब उन्होंने इसका कारण पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उस आदमी ने जवाब दिया कि सर मेरे 5 लड़के आपकी कैद में हैं, वो मुझे खत लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि आपने उन्हें कुरान दी है, उन्हें चारपाई मिली है, जबकि आपके सैनिक जमीन पर सोते हैं। जब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता जो कहते हैं कि मैं हिंदू खराब होते हैं, हो सकता है सैम बहादुर में हमें यह किस्सा की शॉर्ट में दिखाया, लेकिन देखते ही कि मूवी में कौन कौन से पार्ट दिखाए जाते हैं। वैसे आप सैम बहादुर फिल्म को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सन 1942 के दौरान वर्मा के मोर्चे पर एक भारतीय सिपाही को एक जापानी सिपाही ने अपनी मशीन गन से 7 गोलियां मारी। गोलियां भारतीय जवान की आंतों, जिगर और गुर्दों में उतर गईं। जवान गिर पड़ा, उसे मृत समझ लिया गया, किंतु उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो जवान इतने गंभीर रूप से घायल हो चुका था कि उसके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उसके सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि उसके मरने के बाद उसे मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जा सकता था। वो जवान इस तरह से घायल हो चुका था कि उसे उसी हालात में छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। उसे साथ लेकर पीछे हटने पर बटालियन की गति धीमी पड़ जाती, लेकिन यह बात उस जवान के अर्दली को मंजूर नहीं थी। उसने जवान को कंधे पर उठा लिया और पीछे चल पड़ा। इस जवान की हालत को देखकर सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्हें इसका इलाज करना समय की बर्बादी लग रहा था। इतने में वो अर्दली को जवान का घायल शरीर उठाकर वहां तक लाया था, ने अपनी राइफल तान कर डॉक्टर से कहा, हम अपने अफसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठा कर लाए हैं, हम नहीं चाहेंगे कि वह हमारे सामने इसलिए मर जाए क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया, आप उनका इलाज करिए नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। डॉक्टर का मन अब भी नहीं मान रहा था, मगर सामने एक जुनूनी इंसान उस पर राइफल ताने खड़ा था, इसलिए अनमने मन से उसने जवान के शरीर में धंसी हुई गोलियां निकाली और उसकी आंत का क्षतिग्रस्त हिस्सा काट कर हटा दिया। इतना करने के बाद भी डॉक्टर को जरा से उम्मीद नहीं थी कि वह जवान बचेगा, लेकिन उस जवान को अभी मरना नहीं था, यही कारण था कि वो आश्चर्यजनक रूप से बच गया। स्थिति थोड़ी समान होते ही उस जवान को पहले मांडले ले जाया गया, फिर रंगून और फिर वापस भारत लाया गया। 7 गोलियां खाने के बाद भी जीने की जिद पर अड़ा हुआ यह जवान था लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनोकसा, वही सैम मनोकसा जिन्हें 1971 में इंडो पाक युद्ध का हीरो कहा जाता है, और उनका अर्दली जो उन्हें बचा के लाया था उसका नाम सूबेदार शेर था। अगर उस दिन शेर सिंह ने हिम्मत और लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनोकसा के प्रति अपना समर्पण न दिखाया होता तो शायद हमें एक ऐसा सैनिक अफसर न मिलता जो दुश्मनों या
हुक्मरानों के सामने सही बात बोलते हुए जरा से भी हिचक महसूस नहीं होने देता था। 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सैम मनेकशॉ का पूरा नाम सैम हेमूर सजी प्रेम सिंह जसमेत सिंह मनेकशॉ, लेकिन उनका पूरा नाम शायद ही किसी को याद हो। उनके साथ अफसर हो या उनके परिवार वाले, यहाँ तक कि उनके अभिभावक तक उन्हें सैम या सैम बहादुर ही कहकर पुकारते थे। सैम मनेकशॉ ने करीब 4 दशक फौज में गुजारे और इस दौरान 5 युद्ध में हिस्सा लिया। फौजी के रूप में उन्हें अपनी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया आर्मी से की थी। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। 1971 की जंग में उनकी बड़ी भूमिका रही। इस जंग में भारतीय फौज की जीत का खाका भी खुद मनेकशॉ ने ही खींचा था। 1972 में चीन के युद्ध हारने के बाद सैम को बिजी कौल के स्थान पर 4th कोर की कमान सौंपी गई। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, यह आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। अनुशासन या सैनिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच संबंधों की बात आने पर सैम कोई समझौता नहीं करते थे। सैम अपनी यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर बड़ी समझौता नहीं करते थे। सैम अपने यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर कभी समझौता नहीं करते थे, भले ही सामने कोई बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना बैठा हो। वो अपनी बात कहने में कभी नहीं डरते थे। एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी। रक्षा सचिव हरीश सरीन भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ बैठे कर्नल से कहा, यू देयर ओपन द विंडो। वह कर्नल उठने लगा, तभी सैम ने कमरे में प्रवेश किया। रक्षा सचिव की तरफ से मुड़े और बोले, सचिव महोदय, आइंदा से आप मेरे किसी भी अफसर से इस टोन की बात नहीं करेंगे। यह अफसर कर्नल है, यू देयर नहीं। उस जमाने की बहुत शक्तिशाली ICS अफसर हरीश सरीन को उनसे माफी मांगनी पड़ी। अपनी बात को लेकर सैम कभी पीछे नहीं हटे, भले ही सामने कोई भी हो। 1971 की लड़ाई की है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वह मार्च में ही पाकिस्तान पर हमला कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनके कारण यही था कि उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि भारतीय सेना अभी हमले के लिए तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुई। मनेकशॉ ने पूछा कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं। उन्होंने कहा हाँ। इस पर मनेकशॉ ने कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीत आपकी होगी। सैम के लिए इससे गर्व की बात यह नहीं थी कि भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। उनके लिए सबसे बड़ा क्षण तब था जब युद्ध बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिक ने स्वीकार किया कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। ऐसे देश ऐसे वीर सपूत के बारे में आने वाली नस्लों को बताया जाना बेहद जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनके कारण आज भारत विश्व में शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा है। हमें इनकी स्मृतियों और बहादुरी के किस्सों को अनमोल विरासत की तरह सहेजने की आवश्यकता है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर का टीजर रिलीज हो गया था। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इसका टीजर आते ही दर्शकों में उत्साह भर गया है। फिल्म के टीजर में विकी कौशल के दमदार अभिनय की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यह फिल्म धमाल मचा सकती है। सैम बहादुर में भी विकी कौशल भारतीय सेना की वर्दी पहने टीजर में नजर आ रहे हैं। फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ का किरदार निभाते दिखेंगे। ये फिल्म भी रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है। टीजर में विकी कौशल दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। टीजर में फातिमा सना शेख पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अवतार में नजर आ रही हैं। सैम बहादुर के टीजर की खास बात यह है कि इसमें देशभक्ति से भरपूर एक से एक डायलॉग मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर फैंस सैम बहादुर के इस टीजर का काफ़ी पसंद किया जा रहा है। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकशॉ ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें कि सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं। उनकी पत्नी के किरदार में सन्या मल्होत्रा नजर आ रही हैं। वही फातिमा सना शेख इंदिरा गांधी के किरदार में हैं। फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। टीजर में विकी के अलावा फातिमा सना शेख दमदार अवतार में दिखी हैं। वही सन्या मल्होत्रा की सिर्फ एक झलक देखने को पाएंगे। टीजर सामने आने के बाद अब हर कोई विकी कौशल की सैम बहादुर की रिलीज का बेसब्री
खुशखबरी से इंतजार कर रहा है। गौर करें इस मूवी की रिलीज डेट की तरफ को 1 दिसंबर 2023 को डायरेक्टर मेघना गुलजार की यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मालूम होगी विकी कौशल की सैम बहादुर का बॉक्स ऑफिस क्लैश रणबीर कपूर स्टारर एनिमल से होगा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जोश भरने वाले विकी कौशल जल्द ही एक बार फिर पर्दे पर आर्मी यूनिफॉर्म पहने नजर आएंगे। अभिनेता मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म सैम बहादुर से दर्शकों के दिलों में फिर एक बार वही जोश भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म की रिलीज डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे इसको लेकर नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विकी कौशल ने फिल्म की शूटिंग आर्मी के असली जवानों के साथ की है। साल 1971 के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ का किरदार निभाते नजर आए थे। जिस दिन से फिल्म का ऐलान हुआ था उसी दिन से दर्शक इसका इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को लेकर आज कुछ ऐसा सामने आया है जो सभी में फिल्म का बज बढ़ा देगा। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में विकी कौशल ने शूटिंग जूनियर आर्टिस्ट के साथ नहीं बल्कि डिफेंस फोर्स में काम करने वाले और रक्षा बल के लोगों के साथ की है। रिपोर्ट में इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया गया है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मेघना फिल्म की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना चाहती थी और बायोपिक में चीज़ों को प्रमाणिक रखना चाहती थी। वह किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। सैम बहादुर की बात करें तो फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकशॉ ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विकी कौशल के साथ संजय मल्होत्रा और फातिमा सना शेख मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा में थी। फैंस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं दर्शकों के एक्साइटमेंट को दोगुना करने के लिए मेकर्स ने फिल्म का टीजर जारी कर दिया था। 1 मिनट 26 सेकंड का यह टीजर बेहद दमदार नजर आ रहा है। एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इस डायलॉग के साथ शुरू होता है सैम बहादुर का दमदार टीजर। टीजर में फिल्म के हीरो विकी कौशल दमदार अभिनय में नजर आ रहे हैं। विकी कौशल एक इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल के किरदार में खूब जज रहे हैं। टीजर में सैम बहादुर की दमदार डायलॉग डिलीवरी से लेकर शानदार अभिनय तक सभी काबिले तारीफ है। वही टीजर में फातिमा सना शेख की भी छोटी सी झलक देखने को मिली जो फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल अदा कर रही हैं। वही संन्या मल्होत्रा ने भी अच्छा काम किया है। बता दें कि बीते दिन फिल्म के नए पोस्टर के साथ विकी कौशल ने फिल्म के टीजर की घोषणा की थी। तभी से फिल्म के टीजर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सैम बहादुर की कहानी साल 1971 के दौरान हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की है। इस जंग के दौरान भारत के पहले फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ सैम मनेकशॉ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह फिल्म इन्हीं की कहानी पर आधारित है। बता दें कि फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अपना जान पर खेलकर देश की रक्षा की थी। सैम बहादुर मनेकशॉ में 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं, लेकिन आज हम आपको 1971 के युद्ध खत्म होने की बात बताएंगे। 1971 युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान में हजारों युद्ध बंदियों को भारत लाया गया, पर उनके लिए बंदी शिविर बनाई जाएगी। मनेकशॉ सभी शिविरों में जाते हैं और युद्ध बंदियों से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। युद्ध बंदियों में एक पाकिस्तानी कर्नल भी थे। उनसे मनेकशॉ से कहा, सर अगर आप एक कुरान की प्रति दिलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मनेकशॉ ने राजपुताना राइफल्स में एक आदमी भिजवाया जहां एक मुस्लिम टुकड़ी थी। उनसे कुरान लेकर मनेकशॉ से शाम होने से पहले ही पाक करने तक पहुंचा दी। उनके व्यवहार को देखकर एक पाकिस्तानी कर्नल बहुत ही प्रभावित हुए और उनसे बोले, मैं आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे अफसोस है कि आप मेरी कमांडर नहीं हैं। मैं एक दूसरे मौके पर मनेकशॉ ने जब एक पाकिस्तानी जवान के कंधे पर हाथ रखकर उनका हालचाल पूछा तो लगभग रोते हुए बोला, अपनी सेना के जनरलों तो हम बस दूर से ही देख सकते थे, वो कभी सैनिक के इस तरह रूबरू होकर बात नहीं किया करते थे।
इन युद्धवादियों को लेकर पाकिस्तान में काफी दुष्प्रचार चलता था कि अगर भारत उन्हें खाना नहीं दिया कि भारत में उन्हें खाना नहीं दिया जाता। ऐसे में एक रोज मनोक्षा के साथ एक घटना हुई जिसने इस झूठी की पोल खोल दी। हुआ यूं कि लाहौर में आर्मी चीफ की मीटिंग हुई, इसमें हिंदुस्तान से जनरल मनेक्शा को भी आमंत्रित किया गया। पाकिस्तानी फौज में लाहौर गवर्नर हाउस ने भोजन का आयोजन किया था। भोजन के बाद मनेक्शा को बताया गया कि गवर्नर हाउस के कर्मचारी उनसे मिलना चाहते हैं। मनेक्शा मिलने पहुंचे तो एक पाकिस्तानी कर्मचारी ने अपना साफा उतार कर सैम के कदमों में रख दिया। जब उन्होंने इसका कारण पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उस आदमी ने जवाब दिया कि सर, मेरे 5 लड़के आपकी कैद में हैं, वो मुझे खत लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि आपने उन्हें कुरान दी है, उन्हें चारपाई मिली है, जबकि आपके सैनिक जमीन पर सोते हैं। जब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता जो कहते हैं कि मैं हिंदू खराब होते हैं, हो सकता है सैम बहादुर में हमें यह किस्सा की शॉर्ट में दिखाया, लेकिन देखते ही कि मूवी में कौन कौन से पार्ट दिखाए जाते हैं। वैसे आप सैम बहादुर फिल्म को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सन 1942 के दौरान वर्मा के मोर्चे पर एक भारतीय सिपाही को एक जापानी सिपाही ने अपनी मशीन गन से 7 गोलियां मारी। गोलियां भारतीय जवान की आंतों, जिगर और गुर्दों में उतर गईं। जवान गिर पड़ा, उसे मृत समझ लिया गया, किंतु उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो जवान इतने गंभीर रूप से घायल हो चुका था कि उसके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उसके सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि उसके मरने के बाद उसे मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जा सकता था। वो जवान इस तरह से घायल हो चुका था कि उसे उसी हालात में छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। उसे साथ लेकर पीछे हटने पर बटालियन की गति धीमी पड़ जाती, लेकिन यह बात उस जवान के अर्दली को मंजूर नहीं थी। उसने जवान को कंधे पर उठा लिया और पीछे चल पड़ा। इस जवान की हालत को देखकर सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्हें इसका इलाज करना समय की बर्बादी लग रहा था। इतने में वो अर्दली को जवान का घायल शरीर उठाकर वहां तक लाया था। ने अपनी राइफल तान कर डॉक्टर से कहा, हम अपने अफसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठा कर लाए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि वह हमारे सामने इसलिए मर जाए क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया। आप उनका इलाज करिए, नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। डॉक्टर का मन अब भी नहीं मान रहा था, मगर सामने एक जुनूनी इंसान उस पर राइफल ताने खड़ा था, इसलिए अनमने मन से उसने जवान के शरीर में धंसी हुई गोलियाँ निकाली और उसकी आंत का क्षतिग्रस्त हिस्सा काट कर हटा दिया। इतना करने के बाद भी डॉक्टर को जरा से उम्मीद नहीं थी कि वह जवान बचेगा, लेकिन उस जवान को अभी मरना नहीं था। यही कारण था कि वो आश्चर्यजनक रूप से बच गया। स्थिति थोड़ी समान होते ही उस जवान को पहले मांडले ले जाया गया, फिर रंगून और फिर वापस भारत लाया गया। 7 गोलियां खाने के बाद भी जीने की जिद पर अड़ा हुआ यह जवान था लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्शा। वही सैम मनेक्शा जिन्हें 1971 में इंडो पाक युद्ध का हीरो कहा जाता है, और उनका अर्दली जो उन्हें बचा के लाया था उसका नाम सूबेदार शेर था। अगर उस दिन शेर सिंह ने हिम्मत और लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्शा के प्रति अपना समर्पण न दिखाया होता तो शायद हमें एक ऐसा सैनिक अफसर न मिलता जो दुश्मनों या हुक्मरानों के सामने सही बात बोलते हुए जरा से भी हिचक महसूस नहीं होने देता था। 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सैम मनेक्शा का पूरा नाम सैम हेमूर सजी प्रेम सिंह जसमेत सिंह मनेक्शा, लेकिन उनका पूरा नाम शायद ही किसी को याद हो। उनके साथ अफसर हो या उनके परिवार वाले, यहाँ तक कि उनके अभिभावक तक उन्हें सैम या सैम बहादुर ही कहकर पुकारते थे। सैम मनेक्शा ने करीब 4 दशक फौज में गुजारे और इस दौरान 5 युद्ध में हिस्सा लिया। फौजी के रूप में उन्हें अपनी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया आर्मी से की थी। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। 1971 की जंग में उनकी बड़ी भूमिका रही। इस जंग में भारतीय फौज की जीत का खाका भी खुद मनेक्शा ने ही खींचा था। 1972 में चीन के युद्ध हारने के बाद सैम को बिजी कौल के स्थान पर 4th कोर की कमान सौंपी गई। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, यह आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा।
अनुशासन या सैनिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच संबंधों की बात आने पर सैम कोई समझौता नहीं करते थे। सैम अपनी यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर बड़ी समझौता नहीं करते थे। सैम अपने यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर कभी समझौता नहीं करते थे, भले ही सामने कोई बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना बैठा हो। वो अपनी बात कहने में कभी नहीं डरते थे। एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी। रक्षा सचिव हरीश सरीन भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ बैठे कर्नल से कहा, यू देयर ओपन द विंडो। वह कर्नल उठने लगा, तभी सैम ने कमरे में प्रवेश किया। रक्षा सचिव की तरफ से मुड़े और बोले, सचिव महोदय, आइंदा से आप मेरे किसी भी अफसर से इस टोन की बात नहीं करेंगे। यह अफसर कर्नल है, यू देयर नहीं। उस जमाने की बहुत शक्तिशाली ICS अफसर हरीश सरीन को उनसे माफी मांगनी पड़ी। अपनी बात को लेकर सैम कभी पीछे नहीं हटे, भले ही सामने कोई भी हो। 1971 की लड़ाई की है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वह मार्च में ही पाकिस्तान पर हमला कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनके कारण यही था कि उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि भारतीय सेना अभी हमले के लिए तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुई। मनेकशा ने पूछा कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं। उन्होंने कहा हाँ। इस पर मनेकशा ने कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीत आपकी होगी। सैम के लिए इससे गर्व की बात यह नहीं थी कि भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। उनके लिए सबसे बड़ा क्षण तब था जब युद्ध बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिक ने स्वीकार किया कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। ऐसे देश ऐसे वीर सपूत के बारे में आने वाली नस्लों को बताया जाना बेहद जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनके कारण आज भारत विश्व में शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा है। हमें इनकी स्मृतियों और बहादुरी के किस्सों को अनमोल विरासत की तरह सहेजने की आवश्यकता है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर का टीजर रिलीज हो गया था। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इसका टीजर आते ही दर्शकों में उत्साह भर गया है। फिल्म के टीजर में विकी कौशल के दमदार अभिनय की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यह फिल्म धमाल मचा सकती है। सैम बहादुर में भी विकी कौशल भारतीय सेना की वर्दी पहने टीजर में नजर आ रहे हैं। फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकशा का किरदार निभाते दिखेंगे। ये फिल्म भी रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है। टीजर में विकी कौशल दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। टीजर में फातिमा सना शेख पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अवतार में नजर आ रही हैं। सैम बहादुर के टीजर की खास बात यह है कि इसमें देशभक्ति से भरपूर एक से एक डायलॉग मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर फैंस सैम बहादुर के इस टीजर का काफ़ी पसंद किया जा रहा है। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकशा के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकशा ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें कि सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं। उनकी पत्नी के किरदार में सन्या मल्होत्रा नजर आ रही हैं। वही फातिमा सना शेख इंदिरा गांधी के किरदार में हैं। फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। टीजर में विकी के अलावा फातिमा सना शेख दमदार अवतार में दिखी हैं। वही सन्या मल्होत्रा की सिर्फ एक झलक देखने को पाएंगे। टीजर सामने आने के बाद अब हर कोई विकी कौशल की सैम बहादुर की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गौर करें इस मूवी की रिलीज डेट की तरफ को 1 दिसंबर 2023 को डायरेक्टर मेघना गुलजार की यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मालूम हो कि विकी कौशल की सैम बहादुर का बॉक्स ऑफिस क्लैश रणबीर कपूर स्टारर एनिमल से होगा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जोश भरने वाले विकी कौशल जल्द ही एक बार फिर पर्दे पर आर्मी यूनिफॉर्म पहने नजर आएंगे। अभिनेता मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म सैम बहादुर से दर्शकों के दिलों में फिर एक बार वही जोश भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म की रिलीज डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे इसको लेकर नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विकी कौशल ने फिल्म की शूटिंग आर्मी के असली जवानों के साथ की है। साल 1971 के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकशा का किरदार निभाते नजर आए थे। जिस दिन से फिल्म का ऐलान हुआ था उसी दिन से दर्शक इसका इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को लेकर आज कुछ ऐसा सामने आया है जो सभी में फिल्म का बज बढ़ा देगा। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में विकी कौशल ने शूटिंग जूनियर आर्टिस्ट के साथ नहीं बल्कि डिफेंस फोर्स में काम करने वाले और रक्षा बल के लोगों के साथ की है। रिपोर्ट में इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया गया है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मेघना फिल्म की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना चाहती थी और बायोपिक में चीज़ों को प्रमाणिक रखना चाहती थी। वह किसी भी तरह
तरह की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। सैम बहादुर की बात करें तो फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेक्शा का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेक्शा के जीवन पर आधारित है। सैम मनेक्शा ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विकी कौशल के साथ संजय मल्होत्रा और फातिमा सना शेख मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा में थी। फैंस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं दर्शकों के एक्साइटमेंट को दोगुना करने के लिए मेकर्स ने फिल्म का टीजर जारी कर दिया था। 1 मिनट 26 सेकंड का यह टीजर बेहद दमदार नजर आ रहा है। एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इस डायलॉग के साथ शुरू होता है सैम बहादुर का दमदार टीजर। टीजर में फिल्म के हीरो विकी कौशल दमदार अभिनय में नजर आ रहे हैं। विकी कौशल एक इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल के किरदार में खूब जज रहे हैं। टीजर में सैम बहादुर की दमदार डायलॉग डिलीवरी से लेकर शानदार अभिनय तक सभी काबिले तारीफ है। वही टीजर में फातिमा सना शेख की भी छोटी सी झलक देखने को मिली, जो फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल अदा कर रही हैं। वही संन्या मल्होत्रा ने भी अच्छा काम किया है। बता दें कि बीते दिन फिल्म के नए पोस्टर के साथ विकी कौशल ने फिल्म के टीजर की घोषणा की थी, तभी से फिल्म के टीजर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सैम बहादुर की कहानी साल 1971 के दौरान हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की है। इस जंग के दौरान भारत के पहले फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ सैम मनेकशा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह फिल्म इन्हीं की कहानी पर आधारित है। बता दें कि फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अपना जान पर खेलकर देश की रक्षा की थी। सैम बहादुर मनेकशा में 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं, लेकिन आज हम आपको 1971 के युद्ध खत्म होने की बात बताएंगे। 1971 युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान में हजारों युद्ध बंदियों को भारत लाया गया, पर उनके लिए बंदी शिविर बनाई जाएगी। मनेकशा सभी शिविरों में जाते हैं और युद्ध बंदियों से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। युद्ध बंदियों में एक पाकिस्तानी कर्नल भी थे। उनसे मनेकशा से कहा, सर अगर आप एक कुरान की प्रति दिलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मनेकशा ने राजपुताना राइफल्स में एक आदमी भिजवाया जहां एक मुस्लिम टुकड़ी थी। उनसे कुरान लेकर मनेकशा से शाम होने से पहले ही पाक करने तक पहुंचा दी। उनके व्यवहार को देखकर एक पाकिस्तानी कर्नल बहुत ही प्रभावित हुए और उनसे बोले, मैं आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे अफसोस है कि आप मेरी कमांडर नहीं हैं। मैं एक दूसरे मौके पर मनेकशा ने जब एक पाकिस्तानी जवान के कंधे पर हाथ रखकर उनका हालचाल पूछा तो लगभग रोते हुए बोला, अपनी सेना के जनरलों तो हम बस दूर से ही देख सकते थे, वो कभी सैनिक के इस तरह रूबरू होकर बात नहीं किया करते थे। इन युद्धवादियों को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी दुष्प्रचार चलता था कि अगर भारत उन्हें खाना नहीं दिया कि भारत में उन्हें खाना नहीं दिया जाता। ऐसे में एक रोज मनेकशा के साथ एक घटना हुई जिसने इस झूठी की पोल खोल दी। हुआ यूं कि लाहौर में आर्मी चीफ की मीटिंग हुई, इसमें हिंदुस्तान से जनरल मनेकशा को भी आमंत्रित किया गया। पाकिस्तानी फौज में लाहौर गवर्नर हाउस ने भोजन का आयोजन किया था। भोजन के बाद मनेकशा को बताया गया कि गवर्नर हाउस के कर्मचारी उनसे मिलना चाहते हैं। मनेकशा मिलने पहुंचे तो एक पाकिस्तानी कर्मचारी ने अपना साफा अवतार कर सैम के कदमों में रख दिया। जब उन्होंने इसका कारण पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उस आदमी ने जवाब दिया कि सर मेरे 5 लड़के आपकी कैद में हैं, वो मुझे खत लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि आपने उन्हें कुरान दी है, उन्हें चारपाई मिली है, जबकि आपके सैनिक जमीन पर सोते हैं। जब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता जो कहते हैं कि मैं हिंदू खराब होते हैं, हो सकता है सैम बहादुर में हमें किस्सा की शॉर्ट में दिखाया, लेकिन देखते ही कि मूवी में कौन कौन से पार्ट दिखाए जाते हैं। वैसे आप सैम बहादुर फिल्म को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।
सन 1942 के दौरान वर्मा के मोर्चे पर एक भारतीय सिपाही को एक जापानी सिपाही ने अपनी मशीन गन से 7 गोलियां मारी। गोलियां भारतीय जवान की आंतों, जिगर और गुर्दों में उतर गईं। जवान गिर पड़ा। उसे मृत समझ लिया गया, किंतु उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो जवान इतने गंभीर रूप से घायल हो चुका था कि उसके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उसके सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि उसके मरने के बाद उसे मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जा सकता था। वो जवान इस तरह से घायल हो चुका था कि उसे उसी हालात में छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। उसे साथ लेकर पीछे हटने पर बटालियन की गति धीमी पड़ जाती, लेकिन यह बात उस जवान के अर्दली को मंजूर नहीं थी। उसने जवान को कंधे पर उठा लिया और पीछे चल पड़ा। इस जवान की हालत को देखकर सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्हें इसका इलाज करना समय की बर्बादी लग रहा था। इतने में वो अर्दली को जवान का घायल शरीर उठाकर वहां तक लाया था। ने अपनी राइफल तान कर डॉक्टर से कहा, हम अपने अफसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठा कर लाए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि वह हमारे सामने इसलिए मर जाए क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया। आप उनका इलाज करिए, नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। डॉक्टर का मन अब भी नहीं मान रहा था, मगर सामने एक जुनूनी इंसान उस पर राइफल ताने खड़ा था। इसलिए अनमने मन से उसने जवान के शरीर में धंसी हुई गोलियां निकाली और उसकी आंत का क्षतिग्रस्त हिस्सा काट कर हटा दिया। इतना करने के बाद भी डॉक्टर को जरा से उम्मीद नहीं थी कि वह जवान बचेगा, लेकिन उस जवान को अभी मरना नहीं था। यही कारण था कि वो आश्चर्यजनक रूप से बच गया। स्थिति थोड़ी समान होते ही उस जवान को पहले मांडले ले जाया गया, फिर रंगून और फिर वापस भारत लाया गया। 7 गोलियां खाने के बाद भी जीने की जिद पर अड़ा हुआ यह जवान था लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्सा। वही सैम मनेक्सा जिन्हें 1971 में इंडो पाक युद्ध का हीरो कहा जाता है, और उनका अर्दली जो उन्हें बचा के लाया था उसका नाम सूबेदार शेर था। अगर उस दिन शेर सिंह ने हिम्मत और लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मनेक्सा के प्रति अपना समर्पण न दिखाया होता तो शायद हमें एक ऐसा सैनिक अफसर न मिलता जो दुश्मनों या हुक्मरानों के सामने सही बात बोलते हुए जरा से भी हिचक महसूस नहीं होने देता था। 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सैम मनेक्सा का पूरा नाम सैम हेमोर सजी फ्रेम सी चश्मेद सी मनेक्सा, लेकिन उनका पूरा नाम शायद ही किसी को याद हो। उनके साथ अफसर हो या उनके परिवार वाले, यहाँ तक कि उनके अभिभावक तक उन्हें सैम या सैम बहादुर ही कहकर पुकारते थे। सैम मनेक्सा ने करीब 4 दशक फौज में गुजारे और इस दौरान 5 युद्ध में हिस्सा लिया। फौजी के रूप में उन्हें अपनी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया आर्मी से की थी। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। 1971 की जंग में उनकी बड़ी भूमिका रही। इस जंग में भारतीय फौज की जीत का खाका भी खुद मनेक्सा ने ही खींचा था। 1972 में चीन के युद्ध हारने के बाद सैम को बिजी कौल के स्थान पर 4th कोर की कमान सौंपी गई। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, यह आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। अनुशासन या सैनिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच संबंधों की बात आने पर सैम कोई समझौता नहीं करते थे। सैम अपनी यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर बड़ी समझौता नहीं करते थे। सैम अपने यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर कभी समझौता नहीं करते थे, भले ही सामने कोई बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना बैठा हो। वो अपनी बात कहने में कभी नहीं डरते थे। एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी। रक्षा सचिव हरीश सरीन भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ बैठे कर्नल से कहा, यू देयर ओपन द विंडो। वह कर्नल उठने लगा, तभी सैम ने कमरे में प्रवेश किया। रक्षा सचिव की तरफ से मुड़े और बोले, सचिव महोदय, आइंदा से आप मेरे किसी भी अफसर से इस टोन की बात नहीं करेंगे। यह अफसर कर्नल है, यू देयर नहीं। उस जमाने की बहुत शक्तिशाली ICS अफसर हरीश सरीन को उनसे माफी मांगनी पड़ी। अपनी बात को लेकर सैम कभी पीछे नहीं हटे, भले ही सामने कोई भी हो। 1971 की लड़ाई की है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वह मार्च में ही पाकिस्तान पर हमला कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनके कारण यही था कि उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि भारतीय सेना अभी हमले के लिए तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुई। मनेकसा ने पूछा कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं। उन्होंने कहा, हाँ। इस पर मनेकसा ने कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीत
आपकी होगी। सैम के लिए इससे गर्व की बात यह नहीं थी कि भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। उनके लिए सबसे बड़ा क्षण तब था जब युद्ध बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिक ने स्वीकार किया कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। ऐसे देश ऐसे वीर सपूत के बारे में आने वाली नस्लों को बताया जाना बेहद जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनके कारण आज भारत विश्व में शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा है। हमें इनकी स्मृतियों और बहादुरी के किस्सों को अनमोल विरासत की तरह सहेजने की आवश्यकता है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर का टीजर रिलीज हो गया था। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इसका टीजर आते ही दर्शकों में उत्साह भर गया है। फिल्म के टीजर में विकी कौशल के दमदार अभिनय की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यह फिल्म धमाल मचा सकती है। सैम बहादुर में भी विकी कौशल भारतीय सेना की वर्दी पहने टीजर में नजर आ रहे हैं। फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकसा का किरदार निभाते दिखेंगे। ये फिल्म भी रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है। टीजर में विकी कौशल दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। टीजर में फातिमा सना शेख पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अवतार में नजर आ रही हैं। सैम बहादुर के टीजर की खास बात यह है कि इसमें देशभक्ति से भरपूर एक से एक डायलॉग मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर फैंस सैम बहादुर के इस टीजर का काफ़ी पसंद किया जा रहा है। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकसा के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकसा ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बता दें कि सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में हैं। उनकी पत्नी के किरदार में सन्या मल्होत्रा नजर आ रही हैं। वही फातिमा सना शेख इंदिरा गांधी के किरदार में हैं। फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। टीजर में विकी के अलावा फातिमा सना शेख दमदार अवतार में दिखी हैं। वही सन्या मल्होत्रा की सिर्फ एक झलक देखने को पाएंगे। टीजर सामने आने के बाद अब हर कोई विकी कौशल की सैम बहादुर की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गौर करें इस मूवी की रिलीज डेट की तरफ को 1 दिसंबर 2023 को डायरेक्टर मेघना गुलजार की यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मालूम हो कि विकी कौशल की सैम बहादुर का बॉक्स ऑफिस क्लैश रणबीर कपूर स्टारर एनिमल से होगा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जोश भरने वाले विकी कौशल जल्द ही एक बार फिर पर्दे पर आर्मी यूनिफॉर्म पहने नजर आएंगे। अभिनेता मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म सैम बहादुर से दर्शकों के दिलों में फिर एक बार वही जोश भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म की रिलीज डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे इसको लेकर नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विकी कौशल ने फिल्म की शूटिंग आर्मी के असली जवानों के साथ की है। साल 1971 के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकसा का किरदार निभाते नजर आए थे। जिस दिन से फिल्म का ऐलान हुआ था उसी दिन से दर्शक इसका इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को लेकर आज कुछ ऐसा सामने आया है जो सभी में फिल्म का बज बढ़ा देगा। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में विकी कौशल ने शूटिंग जूनियर आर्टिस्ट के साथ नहीं बल्कि डिफेंस फोर्स में काम करने वाले और रक्षा बल के लोगों के साथ की है। रिपोर्ट में इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया गया है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मेघना फिल्म की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना चाहती थी और बायोपिक में चीज़ों को प्रमाणिक रखना चाहती थी। वह किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। सैम बहादुर की बात करें तो फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मनेकसा का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनेकसा के जीवन पर आधारित है। सैम मनेकसा ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विकी कौशल के साथ संजय मल्होत्रा और फातिमा सना शेख मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा में थी। फैंस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं दर्शकों के एक्साइटमेंट को दोगुना करने के लिए मेकर्स ने फिल्म का टीजर जारी कर दिया था। 1 मिनट 26 सेकंड का यह टीजर बेहद दमदार नजर आ रहा है। एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इस डायलॉग के साथ शुरू होता है सैम बहादुर का दमदार टीजर। टीजर में फिल्म के हीरो विकी कौशल दमदार अभिनय में नजर आ रहे हैं। विकी कौशल एक इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल के किरदार में खूब जज रहे हैं। टीजर में सैम बहादुर की दमदार डायलॉग डिलीवरी से लेकर शानदार अभिनय तक सभी काबिल
काबिले तारीफ है। वही टीजर में फातिमा सना शेख की भी छोटी सी झलक देखने को मिली, जो फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल अदा कर रही हैं। वही सन्या मल्होत्रा ने भी अच्छा काम किया है। बता दें कि बीते दिन फिल्म के नए पोस्टर के साथ विकी कौशल ने फिल्म के टीजर की घोषणा की थी, तभी से फिल्म के टीजर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्वयं बहादुर की